لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون صدق الله العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ذرا آوازیں بلند کریے السلام علیکم کیسے ہیں تھوڑا ذرا جوش سے بولیں گے سلام کریں گے تو اچھا لگے گا السلام علیکم یہاں پر بھی السلام علیکم ہاں جی ہاں جی تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے سے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ انرجی کم ہو جائے گی روزے سے ہیں تو انرجی زیادہ ہونی چاہیے عمر زیادہ ہونی چاہیے انرجی تو ایک بار پھر ہم سب بولیں گے سبحان اللہ بولیے یہ بات اور السلام علیکم یہ بتائیے کہ آپ کو مدینہ دیکھنا ہے جانا ہے کس کو دیکھنا ہے تو سب سے زیادہ سبحان اللہ کون بول سکتا ہے سب سے زیادہ آواز سے کون بول سکتا ہے یہ بات یہاں پر بھی سب سے زیادہ آواز سے کون بول سکتا ہے یہ بات سی میں ہمیشہ سے میرے ایک اختلاف رہا ہے ہم جب باقی چیزیں کرتے ہیں تو اس میں پورا جوش دکھاتے ہیں پورا جوش کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو جب مذہب کی بات آتی ہے تو زیادہ جوش آنا چاہیے مدینے کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ جوش آنا چاہیے یہ بات اچھا خیر سب ٹھیک ٹھاک ہیں سب سے پہلے تو وہ تمام ٹرانسمیشنز جو ہماری ہو رہی ہیں ان کے لیے آپ سب لوگ تالیاں بجا دیں ان کا استقبال کیجیے تمام کے تمام لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں آج ہمارے پاس سلمہ عاصم ہیں بہت ساری تالیاں سلمہ عاصم صاحبہ کے لیے بہت ساری تالیاں رانی آپا کے لیے محمود مدنی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے لیے بہت ساری تالیاں اور زمازہ کی تاجی صاحب موجود ہیں سر شروع کریں جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی تو شروع کریں پلیز اگر ہو سکے تو اچھا سب نے مل کے ساتھ دینا اس میں کیا بات ہے گورکھ دھل جاؤ
ढूंढा तू नहीं मिलता, छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम, छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखा दे नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखा दे नहीं हो तुम, जैरो हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो तुम, जैरो हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो तुम, जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम, जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम, इस तरह हैरान हूँ मेरे दिल में समाए हो इस तरह, और हैरान हूँ मेरे दिल में समाए हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम, तुम एक गोरख धंधा हो, 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 तुम एक गोरख उल्फत में तुम्हारी खो गया है, तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है, मैं जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती, मैं जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती, अगर वो तू नहीं तो और क्या है, अगर वो तू नहीं तो और क्या है, न बुधाने न काबे में मिला है, बुधाने न काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है, आदम बनकर कहीं तू छुप गया है, आदम बनकर कहीं तू छुप गया है, कहीं तू हस्त बनकर आ गया है, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है जहां भाई, क्या बात है। अच्छा जी यार, आयशा बिलाल हमारे साथ आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? इनके माइक तो खोल दीजिए। उमेर क्या कर रहा है? हाँ हाँ, ब्रेक पे जाना है, माइक तो खोल दे, बोलिएगा। अरे उमेर क्या हो गया? अच्छा कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जरा इधर आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ जाओ जाओ, बस यहीं रुक जाना। अरे इतना तेज़ नहीं, छोटा सा एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे इनामात देने हैं, और आप जो देख रहे हैं मुझे कॉल कीजिए और उमरे का टिकट जीत लीजिए। विल बी राइट बैक। Thank you.
बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उरूज तशरीफ लाए हैं, बहुत सारी तालियां उरूज के लिए, एंड बहुत सारी तालियां आयशा बिलाल के लिए, आयशा बिलाल भी तशरीफ ला चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा आज क्या बात हो रही है, सबसे पहले तो ये बताइए रानी आपा क्या सिखा रही हैं आज आप हमको? आज गर्मियों के से जिन लोगों के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है और रोजा खोलते हुए दर्द की महसूस होती है, उनके लिए एक ऐसी ड्रिंक बनाना बता रही हूँ कि इंशाल्लाह अगर आज से ही वो इस पर अमल करेंगे तो जो दर्द है उनका भी सर दर्द से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, और इसके साथ ही इस मौसम में जो जिन लोगों को बुखार का प्रॉब्लम है उसकी बहुत ही मामूली और कैसे उनका आप ये बुखार दूसरा वाला माइक यूज कर लें, एक मिनट में दूसरा वाला मुझे माइक दीजिएगा, कोई ला के दे दीजिए, कोई एक माइक मुझे ला के दे दीजिए, कोई हाँ आप दे दीजिए। वो आई थिंक अभी आपके माइक में सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लाइए जी लाइए, थैंक यू सो मच। हाँ जी अब आप बता दीजिए इत्मीनान से क्या क्या करने वाली हैं। एक ऐसी ड्रिंक बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से वो लोग जो सर दर्द के मरीज हैं और रोजे में उनके इस सर दर्द की शिद्दत में बहुत ज़्यादा ज्यादती आ जाती है और परेशान हो जाते हैं, उन लोगों के लिए रोज़ा अफ्तार करने के लिए एक ऐसी ड्रिंक बनाना बता रही हूँ जिसका अल्लाह के फजल से ये ड्रिंक बनाकर ये मशरूब बनाकर जब वो रोज़ा अफ्तार करेंगे तो ना सिर्फ ये कि फौरी तौर पर उनके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, बल्कि अगर 7-8 दिन तक मुसलसल इस मशरूब का रोज़ा खोलने में अफ्तार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनका हमेशा के लिए सर दर्द ठीक हो जाएगा। उसके साथ एक बहुत छोटी सी रेमेडी बताऊँगी
जिन लोगों को आजकल गर्मी की वजह से बुखार हो जाता है, बहुत ज़्यादा नज़ला हो जाता है, तो वो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि ये बुखार ख़त्म हो जाएगा बल्कि हड्डियों का जो दर्द है वो भी इस इलाज से ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही छोटी सी रेमेडी है जी। जी सलमा, क्या करेंगी हम? मैं आपको लिप बाम बनाना सिखा रही हूँ। ओके। और दूसरा वेट लॉस की रेमेडी है, जो कि रमजान में वेट वैसे भी बढ़ जाता है बिकॉज़ इतने हम बहुत फ्राइड आइटम्स लेते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि इस प्रोडक्ट के साथ आप जो मतलब सहर और अफ्तार में यूज करेंगे तो फ्रीक्वेंटली काफी अच्छा आपको फर्क नजर आएगा, बड़ा आराम से वेट गिरता है और हेल्दी गिरेगा। ये okay. नहीं कि बहुत मतलब ऐसा नहीं होगा कि अचानक बहुत ज्यादा जल्दी गिरा, अचानक गिरा और अचानक ही। यार आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां दे रहे हैं, आप लोग तालियां नहीं बजा रहे, कितनी गलत बात है। अच्छा, और आज कुछ शदीद ज्यादा गर्मी भी कुछ शिद्दत से ज्यादा है, आई डोंट नो। जी उरूज, क्या करने वाले हैं आज? मैं आज बना रही हूँ मीठे समोसे खजूर के साथ, क्योंकि खजूर हम वैसे ही इफ्तार में खाते हैं। अभी आप वेट गिरने की बात कर रही थी ना, मीठे समोसे। मैं खुद हैरान हो गया कि एक तरफ हम लोग वेट गिरने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उरूज बना रही है मीठे समोसे। मीठे समोसे खजूर के साथ बनते हैं जी? ओके ओके। तो और अच्छा, ये मीठे समोसे खाने से वेट बढ़ता है? ऑफ कोर्स, फ्राइड होते हैं और इसके अंदर खजूरें शामिल होती हैं तो ऑब्वियसली मीठा होता है, वेट बढ़ता है। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे महंगाई के बारे में। महंगाई के बारे में, और कितना महंगाई है वैसे इन दिनों? इन दिनों तो बेइंतहा है, और ख़ास तौर पर ये जो फलों वगैरह पे एकदम से जो रेट्स बढ़ गए हैं। एक मक्खी हमारा पीछा करते हुए पता नहीं कहाँ से आ गई है, बार बार सब जगह जा रही है। छोटे से एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ टिकट्स देने की बात करते हैं, कुछ उमरे के टिकट्स देते हैं। कितने टिकट्स चाहिए आप लोगों को बताओ ना, कितने चाहिए? अच्छा वैसे सच बता रहा हूँ, टोटली आज ये छठा रमजान है, सातवां रमजान है, टोटली डेड क्राउड, एकदम साइलेंट क्राउड। तो आज मैंने सोचा इनाम भी सबसे कम ही दूंगा, आज दूंगा ही नहीं क्योंकि शोर ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जब शोर नहीं करोगे तो इनाम भी नहीं मिलेगा, ऐसा सिंपल इज दैट। अब जो मर्जी कर लो। नहीं, छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक, गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, एक बात बताए यार, रसूलुल्लाह यार, रसूलुल्लाह या अली या अली या अली। अच्छा जी, अब सिलसिला ये है कि आप लोगों के हाथ में माइक आ जाएगा और कुछ शायरी से दिलचस्पी है, किसी को शेर वेर आते हैं? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, किसे आते हैं? अरे अच्छा, आपको सब कुछ आता ना चाचा, सब कुछ आता, आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। दे इनको जरा, इनसे पहला शेर सुने। जरा वॉलंटियर्स जल्दी जल्दी काम करें, भाग भाग के काम करें प्लीज। हाँ जी, जाइए, माइक्स दे दीजिए, आ जाए अंदर, आ जाए जी। पहला शेर इनसे सुनते हैं जी। सलाम अलैकुम। नात पढ़ना जी, पंजाबी के दो अल्फाज। नात जी जी। मोहम्मद की महफिल है ओ आवे, जिस दा जी चावे ते बरे बरे जोलियां थोल जावे, जिस दा जी चावे। वाह वाह। मेरे आका मदीने विच सदा हर एक दी सुन देने, सुभान अल्लाह, ओ भी सुनावे जिस दा जी चावे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जी जी जी। की मोहम्मद से वफा तूने तो सुभान अल्लाह, ये जहां चीज क्या लोहे कलम तेरे। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और? हाँ जी, पीछे दीजिए माइक, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी दिया कीजिए। हाँ जी। वो ज़ात बा कमाल के सैयद कहे जिसे, मुसले ता मुश्तहे ता ज़माना शनास्ता, उसने दिया है नसर को असलूब नौवसी, दुनिया ये जानती है अदब की असास्ता। सुभान अल्लाह जी। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग तालियां बजा सकते हैं, सुभान अल्लाह कह सकते हैं, क्या कर रहे हैं एकदम। एक बात याद रखना, ये बात तो लिख लो,
आज प्राइजेस प्राइजेस मैं नहीं देने वाला, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा था। तुम लोग कुछ शोर वोर कुछ करते ही नहीं हो। नहीं 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 भाई, सीधी बात है, तुम मेरे लिए तालियां नहीं बजाओगे, प्राइजेस के लिए तालियां नहीं बजाओगे, तो बस फिर तो मैं भी नहीं देने वाला। बस कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं चुप करके जाके वहाँ पर बैठ के शो करता हूँ। इत्मीनान से तुम लोग शो देखो, ट्रांसमिशन देखो, इसके बाद अपने अपने घर जाते हैं। खुदा हाफिज। क्या क्या शोर हो रहा है क्या? अच्छा चलिए जी, चलिए तो एक दूसरे को खुल के दांत दो यार, ऐसा क्या है। हाँ जी। नजरों में न दौलत है न सोने की डली है, नजरों में न दौलत है न सोने की डली है, सीने में मेरे दिल है और दिल में अली है, वाँ 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 वाँ। अली मौला, अली मौला, अली मौला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कोशिश कीजिए कि किसी भी शेर को तहतुल लफ्ज़ पढ़ें और इसके बाद गुनगुनाइए नहीं। अगर गुनगुनाना है तो फिर उधर चले जाइए, उधर जाके गुनगुना लीजिए। तहतुल लफ्ज़ पढ़ें, चाहे वो नाती अशार हो या कोई और कलाम हो, तहतुल लफ्ज़ पढ़ें, गुनगुनाए मत, क्योंकि वक्त ज़ाहिर है सबको मिलना चाहिए। जी शाहे महबूबे खुदा मोरी बिगड़े बात बना जाना, मंजदार में नैया आन फंसी मोरी नैया पार लंगा जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जी जी कोशिश कीजिए कि आप गुनगुनाए नहीं, पढ़ें, और जो मैं कह रहा हूँ वो बात सुन लीजिए। कोई भी अशार हो, वो नज़्म का अशार हो, नात का शेर हो या कोई और कलाम हो, गुनगुनाए मत, पढ़ें उसको, तहतुल लफ्ज़ पढ़ें। जी मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो रूह को तड़पा दे और कल्ब को गर्मा दे। अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कौन? अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। शेर सुनाना है। खुलूस दिल ही नहीं रब्ते बाहमी के लिए, खुलूस दिल ही नहीं रब्ते बाहमी के लिए, वफा भी शर्त है ए दोस्त दोस्ती के लिए। और आपके लिए थोड़ी सी मुझे कुछ बात करनी है कि साहिर भाई जो दो तीन दिन पहले सोशल मीडिया पे जो बात हो रही थी आपने भी बात की थी, तो साहिर भाई बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। अरे अच्छा छोड़ दो, खत्म हो गई बात, छोड़ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अल्लाह ताला सबको खुश रखे अपनी अपनी जगह। नामे मोहम्मद सी खुशबू वफा आती है, नामे मोहम्मद सी खुशबू वफा आती है, उनके रोज़े से उम्मती उम्मती की सदा आती है, उनके रोज़े से उम्मती उम्मती की सदा आती है। काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, कहते हैं वहाँ जन्नत से हवा आती है। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जी इधर कौन है? जी जी इरशाद इरशाद। वालेकुम अस्सलाम। लामा इकबाल का शेर है, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में दीदार पैदा होता है, हैं? दीदार पैदा होता है। हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी 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 जल्दी जल्दी। हाँ जी। कितना पुरसकून है तेरी जात से इश्क ए अल्लाह, ना बेवफाई का कोई डर ना जुदाई का कोई खौफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक कोई शक नहीं इसमें। जी हाँ जी तुम भी सुनाओगे, खड़े हो जाओ। साखी पिला दे जाम के दर है गुलाबी हूँ, हुब्बे अली के रंग में मैं तो गुलाबी हूँ, शीशे के जाम में मैं पीऊंगा मैं ना साखियाँ, मटी का दे पिया मैं तो भूतड़ा भी हूँ। क्या हूँ एक मिनट, मुझे ये समझ में अशार नहीं आए हैं, मुझे अशार समझ में नहीं आए, अगर किसी को याद है तो मुझे बता दीजिए। मुझे शेर समझ में नहीं आया, लेकिन आपने इसमें हज़रत अली का नाम लिया तो ज़ाहिर है खूबसूरत ही होंगे, अच्छे ही होंगे। कोशिश कीजिए कि तलफ़ुज़ ठीक हो बेटा, और क्योंकि मुझे वाकई समझ नहीं आ पाए, और ना मैं
जी जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी जी मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाऊंगी जी इरशाद क्यों मांगता है किसी और के दर से क्यों मांगता है किसी और के दर से वो कौन सा काम है जो तेरे रब से नहीं होता अल्लामा इकबाल का है ये मुझे नहीं पता इल्म नहीं है मुझे लेकिन बात बिल्कुल सही है जी जी आपको भी दे रहे हैं जी जी सुनाइए मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना ये दवा वहीं मिलेगी मुझे ले चलो मदीना सुभान अल्लाह बेशक बजा 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 इधर आ जाइए हाँ जी हाँ जी हमें भी मदीने बुला मेरे मौला करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला बड़ी बेकरारी में मैं मुब्तिला हूँ मेरी एकरारी मिटा मेरे मौला जिसे तूने चाह मैं उसका गदा हूँ मैं तेरे मोहम्मद के दर का गदा हूँ पड़े सबको नहीं जानते जो उन्हें भी गफलतों से जगा मेरे मौला बहुत बहुत शुक्रिया साहिर भाई उमरे का टिकट लेना चाहती हूँ साहिर भाई मैं बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची हूँ सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना सबके सब के दिलों में मदीने जाने की चाह है और सब बहुत मुश्किलों से पहुँचे इंतजार कीजिए अगर आज आपके नाम का टिकट है तो आपको मिल जाएगा अगर आपके नाम का टिकट है तो आज ज़रूर मिलेगा आपको आप इस बात पे यकीन रखिएगा लेकिन सभी यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं आप में से हाथ उठा के कितने लोग ये कहते हैं मदीना सब जाना चाहते हैं ना एक एक आदमी जाना चाहता है और कभी मेरा दिल ये चाहता है कि कोई एक ऐसी ट्रांसमिशन हो कि मैं आऊँ और आप लोगों को ऐसे बांटना शुरू करूँ मदीने के टिकट और आप नहीं मैं सच कह रहा हूँ और आप जाएँ जाएँ जाके पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें अपनी हाजात के लिए दुआ करें आप जाएँ जाके मदीना देखें लेकिन मेरे भाई बहन मैं मेरे पास इतने टिकट्स हैं नहीं कि मैं आपको दे सकूं लेकिन आज मैं आपसे वादा करता हूं अगर इसी तरह से आप जोश से काम लेते रहे तो मैं आपको 100 टिकट्स दूंगा आज और अब तो मैंने ये रिवायत भी तोड़ दी है कि एक टिकट अब तो मैं नॉर्मली दो दो टिकट्स दे रहा हूं तो आप बस फिक्र मत कीजिए इसी तरह से साथ मिलते रहिए इसी तरह से आते रहिए और दो दो टिकट्स लीजिए और मदीने जाइए और देखिए हाँ जी बताइए कौन है अच्छा टेलीफोन लाइन पे भी ले लीजिएगा कॉल बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम बोलिए खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया उमर इसको बढ़ा यार हाँ जी कौन है सर महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं बहुत बहुत शुक्रिया जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर गुनाह करता है खुद लानत भेजता है शैतान पर मैं सुनाऊंगी अस्सलाम वालेकुम जी जी अस्सलाम वालेकुम दुआओं में दवाओं में वसीला कहाँ हैं आप इधर कहाँ हैं किस जगह ये रियली में कहाँ हैं अस्सलाम वालेकुम सॉरी 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 हाँ जी प्लीज दुआओं में दवाओं में वसीला जो बनाएगा दुआओं में वसीला जो बनाएगा न रास्ते में मोड़ है न वास्ते में मोड़ है वाह वाह सुभान अल्लाह आखिरी शेर जी प्लीज बेटा शाहे मदीना दूजा के माली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच एक शोर से ब्रेक है आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद
पापा क्या कर रहे हैं हम लोग बता दीजिए। सबसे पहले सर दर्द के लिए इलाज बता रही हूँ वो लोग जिनके। अच्छा आपके पास टोटल 5 मिनट है, जल्दी जल्दी करेंगे हम। हाँ जी। सर में रोजे में शदीद दर्द हो जाता है या वो दायमी दर्द सर दर्द के मरीज हैं तो इस ये जो मैं मशरूब बना रही हूँ इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला जिस जब ये इस मशरूब के साथ वो रोज़ा खोलेंगे तो फौरी तौर पर उनके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। बल्कि अगर 7-8 दिन तक मुसलसल इस मशरूब का इस्तेमाल करेंगे अफ्तार में तो इंशाल्लाह ताला हमेशा के लिए उनके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और वो मशरूब ये है कि इसमें अच्छा, ये शादीशुदा हजरात के लिए भी है क्योंकि कुछ पता नहीं होता ना उनके सर में कौन दर्द करता है, या कभी बीवी करती है दर्द, कभी हस्बैंड कर देते हैं दर्द। हाँ हाँ बजा लो इस बात पे कि तमाम जिन जिन लोगों की शादियां हुई हुई हैं वो खुल के बजाएं, चाहे वो हस्बैंड हैं चाहे वो वाइफ हैं, बजाइए खुल के। हाँ जी। ये 7 दिन के लिए दवा बन रही है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सौंफ पहले से भिगो दी थी, आपको भी पहले से भिगो कर रखनी है एक रात। ये तमाम चीजें इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 सूखी खुबानियां हैं जो मैंने भिगो दी हैं क्योंकि हमें ब्लैक। अच्छा ये भी रात को भिगोनी है? जी हाँ, तमाम चीजें साथ ही भिगोनी है लेकिन आपको दिखाने की जरा थोड़ा सा इसके पीछे म्यूजिक लगा दीजिएगा। मैंने इसको अलहदा अलहदा करके भिगोया है और 7 से 8 ये सूखे आलू बुखारे हैं, इसकी भी मैंने गुठली निकाल कर इसका पल्प यहाँ पर आपके सामने महफूज कर लिया है। और 1 टेबल स्पून ये चारों मग्ज हैं जो आपके सामने मैंने निकाल कर भिगो कर रख दिए थे रात को। और इसमें हम 7 से 8 काली मिर्चें डालेंगे, ये भी यहाँ पर कुटी हुई हैं, ये हमने डालनी हैं। अब हम इसको 2 गिलास पानी लेंगे। ओके। 2 गिलास पानी के अंदर हम ये मशरूब बना रहे हैं। अब आप जब इसको बनाकर तैयार कर लेंगे तो आप किसी जग में अपने पास महफूज रख लें और आधा गिलास इसका लेंगे और बाकी सादे गिलास के साथ अपना सादे पानी के साथ अपना गिलास फिल करेंगे। इसको ब्लेंड करना है। ओके जी। और इस तरफ? जी जी यस। अच्छा आपा जी जी, ये सुबह सहरी में पीना है? ये सबसे पहले तो सारे दिन में आपके रोजे में सर में दर्द है इससे अफ्तार करेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि जब आप सोकर उठे सहरी के लिए फिर भी आपके सर में दर्द हो रहा है तो 1 गिलास आप उस वक्त भी पियेंगे तो अल्लाह के फजल से आपके सर का दर्द बिल्कुल सारे दिन आपको नहीं दर्द महसूस होगा, ख़त्म हो जाएगा। और 7-8 दिन अगर अफ्तार और सहर में आप 1-1 गिलास ये पी लेंगे तो हमेशा के लिए आप सर दर्द से महफूज हो जाएंगे। और एक ख़ास चीज़ जो इसके साथ खानी है वो है आपको इसके अंदर कोई मीठा शामिल नहीं करना लेकिन 1 चमचा आपको गुलकंद का अपने मुँह में रखना है और उसके बाद आपको आप लेकिन आप गुलकंद की बात करें कि शुगर के पेशेंट इसको कर सकते हैं? जी इसीलिए इसके अंदर हमने किसी किस्म का कोई मीठा शामिल नहीं किया। लेकिन लेकिन फिर भी आपसे ये कहता हूं कि अगर आप ये कर रहे हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लीजिए, जरूर मशवरा कर लीजिए। अगर जो लोग बहुत ज्यादा जो लोग शुगर के पेशेंट हैं तो वो सिर्फ गुलाब की पत्तियां अपने मुंह में रखें और उसके बाद ये मशरूम पिए। और अगर आप चाहें टाइम है तो मैं जरा से बुखार का इलाज बता दूं आजकल के मौसमी बुखार। आपा मेरे ख्याल कल बताइएगा, हम हेमानीज के पास जा रहे हैं, टाइम इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू आपा के लिए, बहुत सारी तालियां यार। आप लोग फिर वही बात है नहीं कर रहे आप लोग, ऐसे बजाइए। ये बात एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अरे कॉल है, टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा जी कैसे हैं साहिब भैया? बिल्कुल ठीक ठाक, बगैर कुछ देर से मैं आपकी कॉल के लिए वेट कर रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। बगैर बात कर रही हूँ। क्या कह रही है? मैंने कहा ऐसा लग रहा है बिल्कुल आपके सामने मैं बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं आपके सामने ही हूँ। अच्छा लग रहा है। आप अच्छा, आपका नाम आयशा है, क्या मुबारक नाम है आपका। तो बस आप मदीना जाइए, 2 टिकट्स आपके हुए। बिल्कुल जी, जीत गई आप। आपने आयशा नाम ले दिया तो फिर मेरी क्या मजाल, मेरी क्या बसात के मैं आपको रोकूं। आप जाइए मदीना जाइए, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। 2 टिकट्स आपको दे रहा हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे कॉल कीजिए और टिकट्स ले जाइए। मैं सच सच कह रहा हूँ, ये लोग तो यहाँ इनके पास चांस है जीतने के लिए। आप जो मुझे टीवी पे देख रहे हैं कॉल कीजिए और ले जाइए टिकट्स। जी सलमा क्या कर रहे हैं हम? हेमानी के स्टॉल पे हैं और हल्पर और 100% प्योर। अच्छा ये बताइए, यहाँ कोई पतला होना चाहता है? सबसे पहले पतला होना चाहता है कौन? मैं किसी मर्द को दूंगा ये, पतला होना चाहता है कौन है मेरा दोस्त जो पतला होना चाहता है? लेकिन याद रखो ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ हेमानीज की तरफ से, मैं तुमको दे रहा हूँ। कौन पतला? तुम आप पतला होना चाहते हो? ओके नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, भाग के फास्ट 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 माइक लेके आइए, उनसे माइक लेके आइए, माइक लेके आइए, जल्दी लेके आइए माइक। आ जाइए, आ जाइए,
फास्ट इधर आए मेरे साथ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आपको मैं आज सलमा से भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और हिमानी के, आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ इधर आ जाइए। वॉच वॉच योर स्टेप, वॉच योर स्टेप, वॉच योर स्टेप। हाँ जी, चाय का तरीका भी बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जा माइक में, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? तारिक हुसैन। आप थोड़ा सा ये टमी वगैरह कम करना चाहते हैं? जी हाँ। क्या करते हैं आप वैसे, क्या करते हैं ऐसे तारिक? क्यों? हाँ बैंक में। ओके, तो आप थोड़े से चाहते हैं कि टमी वगैरह रिड्यूस हो जाए? बैंक में स्मार्ट होते हैं आप भी, स्मार्ट हो जाए। नहीं, आप तो वैसे ही बहुत स्मार्ट हैं। देखें, ये हिमानीज की स्लिमिंग थी है और इसका तरीका बनाने का ये है। और इसका तरीका ये है कि आप सहर में और अफ्तार में, अफ्तार में दो दफ़ा भी ले सकते हैं, जितना आप जागते हैं उस हिसाब से है। आप इसको एक गर्म पानी के कप के अंदर डिप करके रख लें और साथ ज़रा सा लेमन स्क्वीज कर लें। ये आपका बड़ा हेल्दी वेट लॉस होगा, ठीक है? और आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत फ्रेशनेस और एनर्जेटिक लगेगा। यार ये बुशरा, मैंने तुमसे कहे थे ऐसे मुझे कप्स चाहिए, 24 मुझे चाहिए थे यार, मैंने तुम लोगों से मांगे थे, क्या चक्कर है? अच्छा जी, ठीक है जी। तारिक साहब, ये आपके लिए। क्या कैसे पीनी है? इफ्तार के टाइम और सुबह सहरी में एक कप, अफ्तार में एक कप। देखिए हिमानी का एक कप अफ्तार में, एक कप सहरी में, ठीक है? और राइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ जी सर, सर अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी। आज हम हिमानी की ही चीज़ प्रोडक्ट्स की मदद से मैं आपको लिप बाम बनाना बता रही हूँ, जो कि आप अभी से बना लेंगे तो बड़े खूबसूरत, मतलब गुलाबी होंठ जिसे कहते हैं, कोई स्किन नहीं फटी होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई ब्लैक नहीं होंगे, बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। इसमें मैंने ली है बी वैक्स और इसमें मैं थोड़ा सा ले रही हूँ चुकंदर का पानी, जो कि कलर के लिए यूज़ होगा। मैंगो बटर है इसके अंदर। ये मैंगो बटर नॉर्मली आराम से मिल जाता है मार्केट, बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, अवेलेबल है। इसके अंदर हम डालेंगे ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान की दो तीन बस, एकदम डंडियां सी। अगर ज़्यादा डालें तो? नहीं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चुकंदर का रंग भी है, बस ये खूबसूरती और स्किन बहुत अच्छी करता है। अच्छा जी, सैफ्रॉन भी डाल दिया। और इसमें एक स्प्रे है हिमानी का रोज वाटर और एक स्प्रे है इसके अंदर ऑलिव ऑयल का, जस्ट बस। यस, दैट्स इट। ये आपकी बाम बन गई। ये बाम बन गई, ये थोड़ा सा अभी मेल्टेड है, जब आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो इसके अंदर जो चुकंदर का पानी है वो एब्जॉर्ब बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और ये बिल्कुल सख्त किस्म का एक आपका बाम बन जाएगा। इसको हल्का सा लिप्स के ऊपर आप फेर लें, किसी भी शेप में लेकर आ जाए, किसी सांचे में डाल लें और ये बहुत बेहतरीन। नहीं तो क्या इसको फटी हुई एड़ियों वगैरह में लगाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल लगाया जा सकता है, कलर से तो कोई इफेक्ट नहीं है, अच्छा खूबसूरत रंग आ जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। okay. और ये बिल्कुल हेल्दी है, कोई वो नहीं है लिप्स के लिए। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये खाया भी जाए, जैसे अगर आप शहर में लगाते हैं खाते हुए और अफ्तार में लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है रात को। अच्छा ये बताओ, वेट कौन और लूज करना चाहता है? कोई और लूज करना चाहता है वेट? कोई और, एक खातून और एक मर्द अगर कोई लूज करना चाहता है, मेरे पास ये ब्लैक सीड ऑयल है यानी कलौंजी का ऑयल है हिमानीज की तरफ से, किसको चाहिए? एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम और आपका वेट गायब हो जाएगा। बताओ मुझे, सादे पानी में एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, आपको आपको यही नहीं, मैं आपको आके दे रहा हूँ, ये इनको दे दीजिए, हिमानीज का इनको दे दीजिए जाके। आपने करना सलमा मुझे, ये ना सिर्फ वेट लूज करेगा बल्कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करेगा, आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगा हिमानी का ये जो। आप आइए, आप नीचे आइए, इनको इनको दीजिए यार, इनको दीजिए, इन्हें जरूरत है, इन्हें जरूरत है, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए। सुबह शाम एक 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 चम्मच सादे पानी के अंदर सुबह और एक चम्मच, मतलब सुबह सहरी के वक्त ले लीजिए और अफ्तार के वक्त ले लीजिए, इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां इनके लिए। अच्छा ये बताइए, तालियां जरा जोर से होंगी तो मजा आएगा। एक और टेलीफोन कॉल, सलमा आपका डन खत्म। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, मैं नसीबा बोल रही हूँ। साहिर भाई, नसीबा अब आप कराची से बोल रही हैं, लाहौर से बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं कराची से बोल रही हूँ। बस तो फिर आप एक बात करें, ईद के बाद तैयारी करें, आप मदीना से भी कॉल करेंगी हमें, चाहिए? मैं और अपने छोटे पापा के लिए और छोटी चाची के लिए मांग रही हूँ। क्या कह रही हैं? मैं अपने छोटे पापा और मदर के लिए मांग रही हूँ। हाँ तो मैंने आपको दो टिकट्स दिए हैं, आपके मांगने से पहले दिए हैं, आप जाइए उनको दीजिए। बिल्कुल दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ठीक है? नसीबन, नसीबा, नसीबा जी आवाज आ रही है? चली गई। चलो एक और कॉल लो, बैक बैक टू बैक एक और कॉल लो, दो और देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, यहां कौन सबसे ज्यादा शोर कर सकता है?
मजा नहीं आया, मजा नहीं। बच्चे शोर कर सकते हैं, बच्चे शोर कर सकते, चलो तुम लोग शोर करके दिखाओ जोर से। ओके, इस तरफ वाले, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इधर वाले। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए, ये टेलीफोन कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो मैंने वॉटर पहनी हुई है, ये दरवेज की है, और दरवेज जो है वो 6 फैमिलीज को स्पॉन्सर करता है हर रोज़। आप अगर उन 6 फैमिलीज में से हैं, आप चाहते हैं कि ये वाले कपड़े आपको मिल जाएं, आपकी फैमिली के 6 मेंबर्स जो हैं उनको दरवेज दे सकता है, तो फिर आप अपने नाम का टिकट स्टब जो है, वो टिकट स्टब जो है वो अपने पास रखेंगे, ड्रॉ होगा, और उस ड्रॉ के अंदर अगर आपका नाम निकल आया तो दरवेज आपके घर के 6 अफराद को कपड़े जो है इस ईद पर मुहैया करेगा। अच्छा मुझे कॉल दे दीजिएगा जब कॉल आए तो। उरूज हम क्या करने जा रहे हैं? नहीं अभी हम नहीं बना रहे कुछ भी, ब्रेक आने वाला, ब्रेक आने वाला ना, मुझे प्लीज बता दीजिएगा, ब्रेक आने वाला, तो अभी हम कुछ नहीं बना रहे, वैसे ही बता दीजिए हम क्या कर रहे हैं। हम बना रहे हैं मीठे समोसे। ओके, और उसके लिए हमें चाहिए होगी खजूर, ओके, खोया, बादाम, पिस्ता और समोसे की पट्टियाँ, और हम ग्लू बनाएंगे मैदे से, और हम इसको डीप फ्राई करेंगे, और ये सुपर फैटनिंग और सुपर यामी है। ओके ऑलराइट, और एहतिशाम क्या करेंगे हम? बगैर तुम माइक के बोल रहे हो, that's a very good thing, बगैर माइक के बोल रहे हो, मुझे समझ में आ गया, ये मुझे माइक दीजिएगा, थैंक यू। हाँ हाँ, ब्रेक है, ब्रेक है, ये लो। चले अभी एहतिशाम से बात करते हैं। एहतिशाम ये गाड़ी चाहिए तुमको? इधर आओ, ये गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी किसको चाहिए? तो गाड़ी के लिए भी शोर नहीं करोगे तुम लोग? अच्छा तुम लोगों पे कैमरा होगा, तुम लोगों पे कैमरा होगा, तुमने कहना है हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, ये बोलना है, ठीक है? हम लेते हैं, मेरे साथ बोलो, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, जब मैं 1 2 3 कहूंगा तो शुरू करना, कैमरा उन पे रख दो, कैमरा ऑडियंस पे रख दो, 1 2 3। कुछ नहीं समझ आया किसी को? हम लेते हैं, मेरे साथ साथ बोलो, कैमरा तुम्हारी तरफ है, कैमरा तुम्हारी तरफ है, मैं बोल रहा हूं, हम लेते हैं, हाथ ऊपर कर लो सारे, सारे हाथ ऊपर कर लो सारे, एक एक आदमी, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ये बात बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अच्छा जी कॉल कीजिए मुझे और इनाम जीतिए। मैं उरूज के पास जा रहा हूँ। जी उरूज क्या कर रहे हैं हम? आई नो कि आप क्या बना रही हैं, बट लेट्स सी, मुझे बनाने हैं, आपको बनाने हैं? आप बनाएं, मैं बनाऊं? ओके, यू हैव टू टीच मी कैसे। ओके ओके, हम बना रहे हैं खजूर के पार्सल्स या खजूर के समोसे। ये निकाल लूं? पहले आप पिसी हुई खजूर डालेंगे। ओके, पिसी हुई खजूर कितनी, 1 चम्मच? ज्यादा, थोड़ी ज्यादा। ओके, पुट द होल थिंग आप जितनी खजूर है उससे हाफ क्वांटिटी में खोया ऐड करें। हाफ क्वांटिटी में? एब्सोल्यूट। ओके ठीक है, खोया ऐड कर दिया जी, और इसके अंदर आप थोड़े से बादाम और पिस्ते डालें, प्लीज थोड़ा सा रिजर्व कर लीजिएगा गार्निश के लिए बाद में। ओके एक सेकेंड, एंड देन मिक्स इट थ्रू। ओके okay. यार ये मुझे बचपन में ना एक इसका वो एक बॉल मिलती थी इसी की बनी हुई, यू रिमेंबर दैट? बिल्कुल बिल्कुल याद है, आई रिमेंबर एब्सोल्युटली। ओके ठीक है। ओके अब हम इसकी असेंबली के बारे में बात करते हैं। इसकी असेंबली के लिए वी नीड अ ग्लू। दिस इज डन ओके, और ये बनेगा समोसा पट्टी में। हमें ग्लू चाहिए
जो बनेगी सिर्फ मैदे से और पानी से, दैट्स इट, एंड यू नीड इट टू बी अ थिकिश कंसिस्टेंसी, ठीक है, और इससे बेसिकली आपकी समोसा पट्टी जो है वो चिपक जाएगी. ओके, यस, यू मिक्स्ड इट गुड. ओके, ठीक है, ऑलराइट, अभी क्या करना है? दो क्रॉस वाइज पोजीशन में लगाई. ओके, ऐसे लिया एक, एंड देन ग्लू इट इन द सेंटर, सो यूज द ग्लू. ओके, जस्ट लाइक यू डू इट इन द पेपर. ओके, डाल दिया अभी. yeah, ये बिंगो. okay. इसके लिए एक टेबल स्पून डालें. डोंट बी टू जेनरस विद योर फिलिंग क्योंकि कभी कभी ये फट भी जाते हैं. सो या बी जेनरस बट नॉट टू जेनरस. यस, दैट्स अ गुड क्वांटिटी. डाल दी, ठीक है. अब आप जो नीचे वाली पट्टी है उसको फोल्ड करें. ओके, किया. एंड ग्लू. ओह, अगेन ग्लू. या यू हैव टू ग्लू इट ऑल. ओके, ठीक है. एंड ग्लू इस पे भी. यप, बिकॉज़ इधर से आएगा. यप. ओके, ठीक है. एंड देन ग्लू अगेन. एंड ग्लू. Yep. Wow. इधर भी. Okay. And that's it. That's आपके पास. And we deep fry these. Okay. Wow. This yes. is nice. Can you do me a few while yeah. I fry them? Yeah, sure. ठीक है. और मेरे पास हमेशा की तरह जब भी मैं कुछ fry करती हूँ तो rose petal soup होता है क्योंकि वो newspaper से बेहतर है, super absorbent है और kitchen के अंदर एक hygienic product है. आपके पास सूप होता है, मेरे पास रोज पेटल का. आपके पास अल्ट्रा सॉफ्ट रोज पेटल का डब्बा होता है. और मैं आपको बता रहा हूँ कितना अच्छा लग रहा है और ये यमी होगा, सेंटर फिल्ड होगा खजूर के साथ और इसके अंदर बादाम, पिस्ते, खोया. सो इट्स लाइक अ वेरी नाइस मजेदार सा मीठा डिजर्ट. इट्स वेरी वेरी नाइस एंड काफी आसान है. आई थिंक सो. कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा. इंजीनियर्स कैन डू फ्यू थिंग्स, यू नो. It's okay. okay. It's not going to. I know it's not the way you fold it, but it's all the same anyway. Okay, सही है, चले. As long as हम इसको बना लें ना. हाँ, liberally glue कर लें आप. वो जी liberally बिल्कुल glue हो गया है. And ये देखे, इस color में हम निकालते जाएंगे. Very good. Okay. एक दफा फिर आप दिखा दें. अच्छा जी, मैंने दिखा दिया. आपने दो पट्टियाँ ली. हमने इसका जो ये था, ये तो बना लिया था. हमने दो पट्टियाँ ली और दो पट्टियाँ लेने के बाद उसको ऐसे क्रॉस डाल दिया. उसके बाद उसको फोल्ड करना शुरू किया ऐसे. आपने मुझे बताया था यूं, राइट? बिल्कुल. ओके जी, हमने यूं फोल्ड कर लिया. इसको बीच में अपने यहाँ लगा के ग्लू कर दिया और फिर उसके बाद एंड देन यहाँ पर भी आपने इसको ग्लू किया. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक इट्स ऑल डन. It's all done and you slide it in tez tez garam garam ghee. खोलते हुए घी में डालना. जी. ओके. अगर आप इसको थोड़ा सा सेट करना चाहते हैं फ्रिज के अंदर तो प्लीज जब भी कभी भी समोसा रखें तो उसके दरमियान में पाउडर्ड मैदा डालें. एंड डू आई नीड टू डू वन मोर क्योंकि वो चिपक जाते हैं वरना ना. ओके, डू आई नीड टू डू वन मोर? या आई थिंक सो. प्लेट में चार की जगह है, गुंजाइश है अभी. ओके, अच्छा, बहुत आसान है ये. इट्स रियली इजी. And Sahir will repeat the recipe for us. हमारे पास था. ओके, ठीक है. आपने खजूर लिया, उसका पेस्ट बना लिया खजूर का, और खजूर का पेस्ट बनाने के बाद उसके अंदर आधी क्वांटिटी का, जितनी क्वांटिटी में आपने खजूर लिया था उतनी आधी क्वांटिटी का आपने उसमें खोया ऐड किया. खोया ऐड करने के बाद आपने उसमें बादाम, पिस्ता जो है, जो भी आपको डालना है वो आपने उसको डाला. और इसके अंदर आपने शुगर ऐड नहीं किए. क्योंकि हम ऊपर से अगर डालना चाहते हैं ठीक है, स्प्रिंकल कर सकते हैं. और इसके बाद दो पट्टियाँ ली समोसे की और उन समोसे की पट्टियों को लेकर इस तरह से डायगोनल रख दिया, इस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रख दिया. और इसके बाद इसके बीच में आपने ये बैटर लेके लगा दिया और यहाँ से एक पट्टी को फोल्ड किया और थोड़ा सा ग्लू जो है वो इधर लगा दिया जो आपने बनाया था मैदे से. एब्सोल्युटली. ओके, एंड देन आपने यहाँ से दूसरी पट्टी को लिया और इसको आपने फोल्ड कर दिया और यहाँ से ये तीसरी पट्टी को लेके फोल्ड करके आपने इसको इस तरह से बना लिया. ये आपकी जो समोसा पट्टी जो है वो तैयार हो गई है. और आप इसको पका लें इन हॉट ऑयल. एंड वी ओके? एंड वी ओके विद फ्लेम. ओके, ठीक है जी. अच्छा, मैंने रोज मेटल टिश्यू लिया. दिस इज अल्ट्रा सॉफ्ट. इससे ज़्यादा अल्ट्रा सॉफ्ट कोई चीज़ हो नहीं सकती है. इससे मैंने अपने हाथ भी साफ किए और अगर बहुत पसीना आ जाए, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाए तो आप अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं. अभी मेरा चेहरा तो दिखाओ, चेहरे पे भी लगा सकते हैं. एंड देन दैट विल बी इट. अच्छा, आप यहाँ पर आ जाइए बिकॉज
जब सब किचन से आपका काम खत्म हो जाए तो ऑब्वियसली, लेकिन एक बात है, एक चलें, एक चीज तो रह गई थी लेकिन वो बाद में भी किया जा सकती है. आपने लाइफ बॉय एक्टर सिल्वर लिया और ये पानी कहाँ गया? आ जाए इसको ऑन कीजिए, पानी को प्लीज, पानी को ऑन कर दीजिए. Someone should come here, please. आ जाओ. कोई नहीं, पानी आ गया. ओके. एक्टर सिल्वर जो है वो 99% जरासीम का खात्मा करता है और 99.99% जरासीम जो है 10 सेकंड के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं लाइफ बॉय एक्टर सिल्वर से. और इसके बाद आपने अपने हाथ पोंछ लिए, आपने जब सब सर्व कर लिया, यू कैन ऑल्सो थैंक यू. जब सब कुछ आपने सर्व कर लिया और आपके बहुत सारे बर्तन जमा हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारा दिल चाहता है कि रमजानों में हम अपना ज्यादातर वक्त इबादत में सर्व करें, लेकिन घर में बहुत सारी प्लेट्स, बहुत सारे बर्तन आपका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उन बर्तनों का, उस स्मेल का इंतजार कर रहा होता है लेमन मैक्स. और आपको ये पता है ये 3 गुना ज़्यादा ताकतवर रखता है और इसका 20% एक्स्ट्रा इस लेमन मैक्स के अंदर मौजूद है. और आपको पता ही होगा 3 गुना बेटर ग्रीस कटिंग पावर है लेमन मैक्स की, 3 गुना. तो मेक श्योर कि जब आप सब चीज़ों से फारिग हो जाएं और गंदे बर्तन आपका इंतज़ार कर रहे हों तो उन बर्तनों को बता दीजिए कि उनकी तमाम चिकनाई का, तमाम ग्रीस का इंतजार कर रहा है लेमन मैक्स, 3 गुना ज़्यादा बरकरार है. Am I right? Absolutely. All right, जी, so use lemon max. Thank you, जी, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. And आप ये दिखा देंगी? जी जी. मैं जाऊँ? बिल्कुल जाएँ, बिल्कुल जाएँ. All right. And I'm going to go with the chef, कर्शी का जा. यार तुम लोगों को इतनी मैंने रेसिपी सिखाई है, तुम ये देखो काम कितना हो रहा है. सीरियसली, अच्छा आप तीनों ने, आप सब लोगों ने एक बात बोलनी है, सारे मिलकर बोलेंगे लाइफ बॉय एक्टिव सिल्वर, गो लाइफ बॉय एक्टिव सिल्वर. अब बोलिए लेमन मैक्स, अब बोलिए रोज पेटल. थैंक यू. और अब आपको बोलना है कर्शी जामे शिरी. 2 मिनट बाद ब्रेक है, 2 मिनट में तो हो जाएगा. शेफ बोलो क्या करना है? आज हम बनाए वाटरमेलन लेमनेड. ओके ओके. सबसे पहले हम वाटरमेलन को ब्लेंड करेंगे. ये वाटरमेलन लेमनेड है, तरबूज का लेमनेड है. तरबूज का लेमन, बिल्कुल. एंड इट्स गोइंग टू बी रियली गुड. बहुत ही रिफ्रेशिंग है और बहुत ही आपके मिनरल्स एंड सॉल्ट के लिए यूजफुल है. ये हम डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे. दैट्स इट. नो, अभी तो स्टार्ट है. सारे मुश्किल काम मुझे दे रहे हैं ये. इसको बस हो गया. इसको छानना पड़ेगा. स्ट्रेन करना पड़ेगा. ओके, लाइए लाइए, मैं निकाल देता हूँ आपको. अच्छा, ये आप थाईलैंड वगैरह जाए ना तो आपको ये बहुत मिलते हैं. अरे शेफ, इसको ऐसे ही डाल दो. ऐसे डाल दो, ठीक है. पल्प है इसका, इसके अंदर पल्प है. पल्प तो ज्यादा अच्छा होता है यार. पल्प तो ज्यादा अच्छा होता है. इसमें हम थोड़ा सा, उसके बाद हम काला नमक, या वाव यम्मी, लेमन जूस. ओके. आपको पता है कर्शी का जामे शेरी खालिस रखियात से मिलके बनाया है, 100% खालिस रखियात से मिलके बनाया है कर्शी का जामे शीरी. इसमें कोई चीज़ भी इम्प्योर शामिल नहीं है. एंड ऑफकोर्स ये पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक है. इसको दूध के साथ मिलाया जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी ड्रिंक बन जाता है. जी सर. इसके बाद इसमें हम जामे शीरी ऐड करेंगे. वाह, हमने इसमें शुगर ऐड नहीं करी है तो जामे शीरी, सिर्फ जामे शीरी ऐड करने से भी हो जाता है काम. बिल्कुल. क्या बात है. एंड इट्स ऑल गुड, ऑल डन. लाइए. उसके बाद और उसमें आपने यहाँ पर इस सजी हुई प्लेट में पहले से रखा हुआ था. सो देयर यू गो, दिस इज योर कर्शी जामे शीरी लेमनेड. कैन आई डू समथिंग? यस. इसके बाद हमने ये वाटरमेलन की स्टिक. कैन आई डू समथिंग? यस. मैं थोड़ी सी इस पे गार्निशिंग कर रहा हूँ एंड आई एम बीइंग अ बिट मोर जेनरस अबाउट दिस. थोड़े से हम पुदीने के लीफ इसके अंदर ऐड कर देंगे. And it's really nice. हमारा लेमन के स्लाइस, that's it. Now it is complete. बहुत बहुत शुक्रिया शेफ, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so very much. एक छोटा सा ब्रेक होगा. ब्रेक आ गया है या मुझे बता दें? अगर है तो ठीक है, नहीं तो कॉल ले लीजिए. ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं. ब्रेक के बाद जाएगा कि नहीं? ब्रेक के बाद जैसे ही मैं वापस आता हूँ आप लोगों के लिए 5 उम्रे के टिकट्स हैं यहीं पे. आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. Oh,
दर पे झूमे नाचे हर रात को चादर तारे शाहबाद की मस्ती में है अल्लाह की मर्जी शामिल जो हरदम कहते लाल लाल है बिरूनी का काबिल कहीं आका कहीं आका कहीं बाला कहीं है राम आपकी तालियां बजेंगी अली का लाडला के सामने कलंदर बादशाह की धमाल सहर भाई ने कहा था इसमें जरूर बजनी चाहिए सकी भाई धमाल बज रही है क्या बात है भाई ये तो कमाल हो गया भाई जमा भाई के लिए तालियां तो आप लोग बजाइए तो क्या कितना खूबसूरत कलाम पढ़ा है अच्छा वहाँ एक साहब थे जो मुसलसल घूम रहे थे आप ज़रा नीचे आ जाइए आप और दाढ़ी वाले साहब आप दोनों आ जाइए हमारी तरफ से डिलक्स हॉलीडेज की तरफ से आप तीनों को दो दो उम्रे के टिकट्स मुबारक जी अभी मिलेंगे बिल्कुल फिक्र नहीं करें बिल्कुल अच्छा अच्छा जी नहीं मैं जमील लोधी को अच्छा जमील लोधी साहब अच्छा ओके आइए क्या जी बेटी का नाम क्या है यमुना आप जाइए मैं आपको दे रहा हूं अभी तो अच्छा क्या बात है अच्छा टेलीफोन कॉल जो है वो ले लीजिए क्योंकि टेलीफोन कॉल पे हम
देने जा रहे हैं, टेलीफोन कॉल मुझे दे दीजिए, लेट्स सी कि क्या है, कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम क्या है? सबीन अफजल। क्या नाम है आपका? सबीन अफजल। सबीन अफजल, आप मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, डिलक्स हॉलीडेज की तरफ से, हम आपसे अब आपको टिकट देने जा रहे हैं। आप मदीना जाना चाहती हैं? बिल्कुल जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाना चाहते हैं। मुझे आपके शो में भी आना है। अरे मेरे शो में तो आती रहिएगा, आपके शो में आना प्लीज। जरूर आ जाइए, जरूर आ जाइए, लेकिन सबसे जरूर आ जाइए। आप पहले, सबसे पहले अपने घर वालों को खबर दें, उनको बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए कि मदीने जाने की तैयारी करें वो। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं उफक बात कर रही हूँ हैदराबाद से। कहाँ, क्या, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हैदराबाद से उफक। उफक बात कर रही हैं, उफक जी। शाहे मदीना, साहिर भाई मुझे अपनी मम्मा पापा के लिए उम्रे का टिकट चाहिए और मुझे भी जाना है। उफक सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो लो जी। जी मेरी बात तो सुन लो बेटा। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा के वाली, सारे नबी तेरे घर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। उफक हमारी तरफ से आपको हम दो उम्रे के टिकट्स दे रहे हैं। तशरीफ, आप या जब भी आप, आपका दिल चाहे आप यहाँ आके अपने टिकट को क्लेम कर सकती हैं। हम आपको दो उम्रे के टिकट्स दे रहे हैं, प्लीज। अच्छा, शायद एक और कॉल मैं ले सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, एक और कॉल मैं ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, 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 हेलो। अच्छा जी, ब्रेक आ गया, कोई बात नहीं, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, मेरा वादा है, आज 100 टिकट्स देने हैं तो 100 ही देने हैं। बस छोटा सा ब्रेक आपसे, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कैमरा उधर करो, उधर करो, इन पे करो। ओके जी, आइए लेते हैं, हाथ खड़ा करके सबने बोलना है, सबके हाथ खड़े होने चाहिए, सबके हाथ, एक एक हाथ खड़ा होगा, ऊपर ऊपर, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, ठीक है, और जोर से आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। फरहान अली वारिस साहब तशरीफ लाए, बहुत सारी तालियां फरहान के लिए। फरहान कैसे, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आइए जी, आइए, आइए, आप ही से आज शुरू कर लें, आप आए हैं तो बस शुरू करें। माइक दे दीजिए मुझे प्लीज, फरहान को ये दीजिए। आप सब नाजरीन को आज का रोजा बहुत बहुत मुबारक हो, दुआ है कि आपका रोजा साथ खैरियत से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगी लाइट, आ जाएगी, डोंट डोंट वरी। देखो आ गई ना, तू है तकदीर ताजे अज़मत कौनैन रख देना, तू है तकदीर ताजे अज़मत कौनैन रख देना, मेरे सर पर मेरे सरकार की नालें
रख देना। माशाल्लाह, आज तो साहिर भाई ये जितने ऑडियंस हैं आज तो ऐसे जाग रहे हैं जैसे वाकई मिलाद की महफिल में आए। क्या बात, क्या बात, टेलीविजन के प्रोग्राम में आए हुए नहीं लग रहा, वाकई मिलाद की महफिल में आए हुए लग रहे हैं। तालियों से बेहतर है नात के दौरान सुभान अल्लाह की आवाज गूंजेगी तो ज्यादा अच्छा है। माशाल्लाह, मेरे सर पर मेरे सरकार की नालेन रख देना, इलाही देख लूं मैं भी तो अबरूए मोहम्मद को, इलाही देख लूं मैं भी तो अबरूए मोहम्मद को, मेरी आंखें जरा कौसैन के मबैन रख देना। यार एक जरा माइक लेकर जाइए ऑडियंस में, जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं इनको माइक की आवाज पूरी दुनिया तक आनी चाहिए। आज टीवी वन पे, आज टीवी वन पे मैं जब से ट्रांसमिशन कर रहा हूँ आज टीवी वन पे मैंने देखा है कि जितना बेदार मजमा आज है, मुझे क्योंकि लोग अक्सर टेलीविजन देख रहे होते हैं, उनके जहन में होता है हम टीवी पर आ रहे हैं, लेकिन आज आप जो मिलाद में नाच सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप वाकई मिलाद की महफिल में बैठे हैं। तू है तकदीर ताजे अज़मत कौनैन रख देना, और फरिश्त ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत क्या है कि फरिश्ते जब मेरे आमाल के बारे में कुछ पूछे, फरिश्ते जब मेरे आमाल के बारे में कुछ पूछे तो उनके आगे नाते सरवरे कौनैन रख देना। माशाल्लाह, आपकी समातों का अल्लाह और बुलंदियां अता फरमाए। तो एक बार मेरे साथ मिलकर बोले, मेरे सर पर मेरे सरकार की नालेन रख देना, अजीजो साथ मेरे इज्जतदारे रख देना, अजीजो साथ मेरे इज्जतदारे रख दे दा, कफन के साथ में खाके दरे हसने रख देना, कफन के साथ में खाके दरे हसने रख देना। आगा सरोज साहब का ये कलाम है, वक्त आपके हसीन समात को हदिया है। सरोश मेरी अरशे बरी की सैर कर लेंगी, जमान भाई सुनेगा साहिर भाई, सरोश मेरी अरशे बरी की सैर कर लेंगी, तू इनको जेर पाए साहिबे कौसैन रख देना, मेरे सर पर मेरे सरकार की नालेन रख देना। माशाल्लाह, जैसे आपने आज सुभान अल्लाह कहा है, हमेशा ऐसा कहो। जो टेलीविजन देख रहे हैं आज, आप टेलीविजन देखें, टीवी वन की नशरियात में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माहौल किस तरह से बनता है, किस तरह से लोग, आप लोगों ने कल अगर आना है तो इसी तरह बेदार होकर आना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर एजाज अहमद साहब मौजूद हैं, SIUT के डायरेक्टर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा, इस मामले में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा मेरा माइक बढ़ा दीजिएगा कि आप लोग SIUT के लिए खड़े होकर तालियाँ बजाइए, खड़े होकर तालियाँ बजानी है SIUT के लिए। और डॉक्टर अदीब रिजवी साहब के लिए तालियां।
Thank you, Doc Saab. Thank you for everything that you have done. Thank you. Thank you. Thank you. इससे पहले कि हम सब बैठ जाएं, नहीं 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 आज ये रिवायतें तोड़े ना, सारी रिवायतें तोड़ दें. अपने लोग जो काम करते हैं उनके लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है ताज़ीम के लिए. तो आज आपको मैं वो दिखा रहा हूँ जो आपको पहले से भी पता है SIET के बारे में, लेकिन थोड़ी सी हम जरा देख लें, खड़े होकर देख लें. उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट्री ख़त्म हो जाए फिर जो आपका दिल चाहे आप वो कीजिएगा. वॉच दिस. एजाज साहब कितने साल हो गए SIUT को? SIUT शुरू तो हुआ था सिविल अस्पताल में 1971 में, और उस वक्त की मैं बात बताऊं कि उस वक्त जब वार्ड शुरू हुआ था तो SIUT नहीं था, यूरोलॉजी वार्ड था, और सिर्फ 8 बिस्तरों पर मुश्तमिल वो वार्ड था. और अब इस वक्त SIUT की जो बेड कैपेसिटी है वो तकरीबन 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल है. और इसमें एक पैसा भी नहीं लिया जाता जी, तो जितना भी इलाज. अच्छा, कहते हैं कि सिफारिश का कल्चर है पाकिस्तान में, क्या SIUT में सिफारिश होती? SIUT में सिफारिश, आप जो थोड़ी सी झलक देखी होगी आप लोगों ने हमारे OPD और उसकी, तो हमारे यहाँ पूरे मुल्क से मरीज़ आते हैं और सुबह से वो 5 बजे से बेचारे आके मरीज़ टोकन लेके खामोशी से खड़े हो जाते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, और सबको हम बारी बारी देखते हैं, चाहे वो आउट पेशेंट का शोभा हो, चाहे इमरजेंसी का शोभा हो, चाहे डायलिसिस का शोभा हो, किसी को किसी पे फोकियत नहीं हो सकती. अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम इस मंजिल पे नहीं पहुंच सकते. अब तक कितने ऑपरेशंस हो चुके हैं SIUT में? देखिए, ऑपरेशन तो मुख्तलिफ नौइयत के होते रहते हैं SIUT में, लेकिन जो कि सबसे अहम चीज़ SIUT में गुर्दे की पैवंदकारी या किडनी ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन है, जो कि पाकिस्तान का SIUT सबसे बड़ा सेंटर है. तो अब तक तकरीबन 5000 किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशंस हो चुके हैं. अच्छा, अगर किडनी ट्रांसप्लांट कहीं और करवाया जाता है तो उसमें कितना खर्चा आता है, कितनी लागत आती है? किडनी ट्रांसप्लांट का किसी भी प्राइवेट अस्पताल में अगर ऑपरेशन होता है तो कम से कम 10 लाख रुपये खर्च होते हैं. और यहाँ कितने खर्च होते हैं? यहाँ पर मरीज़ से हम कुछ चार्ज नहीं करते. तो एक तो ये ऑपरेशन का मरहला है, और जो दूसरा मरहला होता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद मरीज़ को ख़ास किस्म की दवाइयाँ तमाम उम्र खानी पड़ती हैं, जिसका ख़र्चा तकरीबन 10,000 रुपये महीना है. तो वो भी दवाइयाँ जब मरीज़ ऑपरेशन के बाद घर चला जाता है
तो आउट पेशेंट में आकर के वो दवाइयाँ भी SIUT मुफ्त फराहम करता है पूरी ज़िंदगी। अच्छा, अक्सर बात ये होती है कि आप बाहर से डोनर्स नहीं लेते, जो जो ट्रांसप्लांट के डोनर्स होते हैं वो नहीं लिए जाते, तो कुछ बता सकते हैं वजह क्या है? देखिए, बाहर से जो आपने सवाल किया डोनर्स नहीं लेने का, तो पाकिस्तान में जो अब तक अज़ा की पैबंदकारी या किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो रहा है वो लिविंग डोनर से ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है, या कि ज़िंदा आदमी मैं अगर बीमार हो गया, मेरे गुर्दे नाकारा हो गए, तो मेरे ख़ानदान में से कोई भी फ़र्द गुर्दा दे दे, दोस्त दे दे, या और उसके बाद के रिश्तेदार जो हैं वो दे दें। तो बाहर से लेने का मतलब ये होता है कि आपको ख़ानदान से बाहर जा कर के किसी से किडनी लेनी पड़ेगी। उसमें दो मसाइल हैं। एक मसला है मेडिकल, कि अगर आप ख़ानदान के किसी फ़र्द से गुर्दा लेते हैं तो जिस तरह से ब्लड ग्रुप की मैचिंग होती है उसी तरह से टिश्यू मैचिंग होती है। सही। तो ख़ानदान के अंदर से आपको ब्लड ग्रुप की मैचिंग और टिश्यू मैचिंग जो है वो बेहतर मिलती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि किडनी जो लगाई जाती है वो ज़्यादा कई साल चलती रहती है। अगर हम ख़ानदान से बाहर किसी से गुर्दा लेंगे तो उसकी टिश्यू मैचिंग मौजू नहीं होती, तो वो गुर्दा कम अरसे चलता है। एक तो इसका मेडिकल जवाब हो गया। क्या? जी, दूसरा? और दूसरा ये है कि ख़ानदान से बाहर गुर्दा लेने में ये कवाहत है कि आप शायद कुछ अरसे पहले वाकिफ़ होंगे, पाकिस्तान में कमर्शियल ट्रांसप्लांटेशन की एक रौ चल गई थी कि लोग उजरत पे पैसा दे करके गुर्दा ख़रीदते थे और किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता था, जिससे मुल्क की बहुत बदनामी हुई। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे ब्रेक लेनी है, वक्त भी थोड़ा सा, तो क्या कहना चाहते हैं आवाम से? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने तस्करा किया अभी कि हम लोग गुर्दे ट्रांसप्लांटेशन का SIUT में हो रहा है, हम लोगों की ये कोशिश है कानून बनने के बाद कि एक दूसरा तरीका जो अज़ा की पैबंदकारी का है वो होता है कैडेवरिक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, जिसमें ऐसे लोग जिनको के इंटेंसिव केयर यूनिट में हादसात के बाद बचने की उम्मीद नहीं होती और वो करीबुल मर्ग होते हैं, तो वो अगर अपने जिस्म के अज़ा अतिया कर जाएं जिंदा हालत में, तो अगर उनसे हमें अज़ा मिल जाएं तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों का भला होगा जिनमें जिनके ख़ानदान के लोग किसी वजह से अपना गुर्दा नहीं दे पाते जिंदा हालत में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला SIUT को, आपको और डॉक्टर दिव्य जी को हमेशा रखे। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो सेगमेंट मैं शुरू कर रहा हूँ ये थोड़ा सा हैवी हार्ट से शुरू कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा इसको। आपको सबको पता है मैं रेडियो करता हूँ, मेरे रेडियो के एक लिसनर हैं डॉक्टर फराद, कैंसर में होते हैं, उनकी मिसेज बहुत बीमार हैं और पिछली बार भी वो बहुत बीमार थी और अब भी बहुत बीमार हैं। देयर 80 years old, both of them, one is 79, the other one is 80. और उनकी ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, वो शो देखती हैं TV1 का और समा का रेडियो सुनती हैं 107.4। वहाँ एक नज़म मैंने पढ़ी है एंड डॉक्टर साहब वॉन्टेड मी टू रिसाइट दैट। गुलजार साहब की ये नज़म है एंड डॉक्टर साहब वॉन्टेड कि मैं ये नज़म आंटी के नाम करूं। एक बस प्रॉमिस है जो मुझे आंटी से चाहिए कि आप ठीक हो जाएंगे। राइट नाउ दे आर इन द हॉस्पिटल, शी इज़ फाइटिंग अ बैटल विद कैंसर एंड लेट्स सी क्या होता है। द पोइट्री गोज़,
एक दफा वो याद है तुमको, एक दफा वो याद है तुमको बिन बत्ती जब साइकिल का चालान हुआ था, हमने कैसे भूखे प्यासों की सी एक्टिंग की थी, हवलदार ने एक अठन्नी देकर छोड़ दिया था, एक चवन्नी मेरी थी वो भिजवा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सावन के कुछ भीगे भीगे से दिन रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के वादे, कुछ उन्हीं झूठ मूठ के वादों में से कोई एक वीरान सा वादा वो भिजवा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सावन के कुछ भीगे भीगे से दिन रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। अपनी दुआओं में मिस्टर मिसेस फरहाद को याद रखिए, उनके बच्चे न्यूयॉर्क में रहते हैं, काम करते हैं, तो माँ बाप के पास आ नहीं सकते, दोनों मियाँ बीवी अकेले, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स की तरह से दुआ कीजिएगा, ठीक रहे। All right, ladies and gentlemen, let's start. आप लोगों की तालियां चाहिए होंगी, गो शाबाश जनाब। अब आ जाते हैं हमारी तकरीर के मुकाबले की तरफ। आज जो उनवान है वो बहुत कमाल उनवान है, थोड़ा सा माइक बढ़ा दीजिएगा, बड़ा कमाल उनवान है, महंगे फलों का बॉयकॉट, है ना? अच्छा है ना? अच्छा जी, चलिए। खैर फरहान, आर यू रेडी? तैयार हैं आप? जी जी। आप तैयार हैं? आयशा प्रोफेसर साहब तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट जी, चार कंटेस्टेंट हमारे पास हैं, दो मिनट की टाइम लिमिट होगी, दो मिनट के वक्फे, दो मिनट के खात्मे पर एक बजर बजेगा, उसके बाद 20 सेकेंड होंगे किसी भी मुकर्रर के पास अपनी तकरीर को ख़त्म करने के लिए। मैं बुलाने जा रहा हूँ सैयदा सना जैदी साहिबा को, तशरीफ लाइए, बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिए सैयदा सना जैदी साहिबा, आइए बेटा जी। सना क्या करती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या करते हैं आप? सर मैं मेडिकल अभी फाइनल किया है अपना। माशाल्लाह, सो यू आर अ डॉक्टर? यस सर, डीएचएमएस डॉक्टर। बी फार्मेसी डॉक्टर? डीएचएमएस, होम्योपैथिक। होम्योपैथिक डॉक्टर, स्टिल अ डॉक्टर, राइट? माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये तकरीर का शौक है बहुत बचपन से? अच्छा बचपन से। कभी फल वगैरह खरीदे हैं? बहुत बहुत खरीदे। इन दिनों क्या हालात हैं? इन दिनों हालात ये हैं कि खरीदना है, बायकॉट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा चलिए जी, तो आज आप इस करारदाद की मुखालफत में बोल रही हैं? बिल्कुल। ऑलराइट, शुरू कीजिए, इजाजत लीजिए, शुरू कीजिए। इजाजत? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर ज़ीवाकार, मौजूद ऐवान में ज़ेरे बहस करारदाद, हमें फलों का बायकॉट करना चाहिए। सदर मोहतरम, मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालफत करती हूँ। बात करते हैं सबसे पहले मौजू की, कि मौजू में दो अहम लफ्ज़ हमें, जिससे मुराद हम आवाम की है, दूसरा अहम लफ्ज़ बायकॉट, जिससे मुराद तर्क करने की है। तो सदर मोहतरम मुझे ये बताइए, वो आवाम के जो अच्छी ग़िज़ा, साफ पानी और बेहतर रिहाइश के लिए आज तक तरस रही हो, उसे हम खुदा की दी हुई इस नेमत से भी मामूल कर दें? सदर मोहतरम, हमें फलों का बायकॉट नहीं करना, इसीलिए मैं इस करारदाद की मुखालफत में कहना चाहती हूँ कि मैं इस करारदाद की मुखालफत करती हूँ और उसमें कुछ दलाइल पेश करना चाहूँगी। लेकिन उन दलाइल से पहले सब मैं इस ऐवान में बैठे तमाम लोगों से चंद सवालात करना चाहती हूँ। सदर मोहतरम, बायकॉट करना है तो उस खुले दूध का बायकॉट क्यों नहीं जाता जो हिफाजान सेहत के उसूलों पे पूरा भी नहीं उतरता? बायकॉट करना है तो उनका क्यों नहीं किया जाता, उन मालिकान का, कि जो गरीब आवाम का पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं होते? मेहनत मजदूरी पूरी है मगर पैसा नहीं देते। सदर मोहतरम, बायकॉट करना है तो उन लोगों का क्यों नहीं करते कि जो लोगों का पैसा गबन के जरिए ख़त्म कर दिया करते हैं? इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें फलों का बायकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बात महंगाई की हो रही है तो जनाब सर, महंगाई तो जिन क्या फलों पर आम होता है? नहीं, महंगाई तो सबके लिए है, तो क्या हम नए कपड़े बनाना छोड़ सकते हैं? क्या हम जूते पहनना छोड़ सकते हैं और
अपना सीजन आने पर तो जना दर्जी कसाई और ब्यूटी सैलून वाले भी अपने रेट्स का भी इजाफा कर देते हैं, तो क्या हम ब्यूटी पार्लर जाना छोड़ दें, नए कपड़े पहनना छोड़ दें? नहीं जनाब सद, हमें फलों का बायकॉट नहीं करना, क्योंकि फल खुदा की तरफ से दी हुई नेमत है और खुदा की नेमत का बायकॉट नहीं बल्कि शुक्र अदा किया जाता है। और जनाब सद, खुदा तो वो है कि जो हमारी तमाम तर कोताहियों और नाफरमानियों के बावजूद भी हमारा रिस्क तर्क नहीं करता, तो हम उसकी दी हुई नेमतों का बायकॉट कैसे कर सकते हैं? सदर मोहतरम, हमें फलों का बायकॉट नहीं करना, क्योंकि बायकॉट करने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ आवाम का है, फिर चाहे उसमें वो तबका हो कि जो मंडियों से, सदर मोहतरम, मंडियों से महंगे दामों फल खरीद कर लाता है और फिर नज़र हो जाता है बायकॉट के, या फिर वो आवाम हो कि जो पूरा दिन रोज़ा रखे, जब इफ्तार के वक्त दस्तखान पे बैठे तो उसे फल नज़र ही ना आए। और सदर मोहतरम, आखिर में ये कहना चाहूँगी कि फलों में कुछ फल ऐसे हैं कि जिन्हें बादशाह और मलिका के नाम से कहा जाता है, तो बादशाह और मलिका तो पैसे वाले ही होते हैं, इन्हें मंजूर नहीं किया जाता। इसीलिए मैं कहती हूँ हमें फलों का बायकॉट नहीं करना चाहिए। सना बहन, आपने बहुत अच्छी तकरीर की, अच्छा फ्लो था, अच्छा अंदाज था, अच्छी एनर्जी थी। आपने जो मौजू चुना और जो उसकी दलील पेश की, उसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक मैंने जो नोट की है वो मैं आपको बताता चलूं। जब आपने कहा कि फलों का बायकॉट ना करो क्योंकि वो अल्लाह की नेमत है, तो दूध का बायकॉट क्यों नहीं करते? तो दूध भी अल्लाह ही की नेमत है। ये एक थोड़ी सी मिस्टेक आपकी हुई है, इसको दुरुस्त कीजिएगा। यानी जो दलील आप पेश करें पूरी तकरीर में, फिर हर जगह वो दलील साबित होनी चाहिए। माजद के साथ सर, मैंने दूध वो कहा कि जिसके अंदर दूध कम और पानी ज़्यादा मिला दिया जाता है, ऐसे ही फलों में भी ऐसे होता है बेटा, फलों में भी ऐसे होता है। अब मैं यहाँ कहना नहीं चाहते, फलों में बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है। और बहरहाल आपने अपनी तरफ से दलील पेश की है, अभी दूसरों की हम डिबेट सुनेंगे, फिर इंशाल्लाह मज़ीद फैसला करेंगे। अच्छा, बहुत ही खूब बोला और अंदाज़ बयां भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह। दलाइल बड़े ज़बरदस्त थे, मवाद बहुत स्ट्रॉन्ग था माशाल्लाह। अल्लाह पाक और मज़ीद तरक्कियां दे। प्रोफेसर साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ज़ोर ख़िताबत तो अच्छा था, मवाद। आप अपना जुमला लेकिन से शुरू किया कीजिए। मैं कोई भी जुमला जो है वो आपका लेकिन से शुरू होगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आगे सुनिए, मवाद की कमी है, माशरे की तर्जुमानी नहीं है, और हकीकत यह है एहतजाज का कौन सा तरीक़ा अपनाया जाए ये भी बताना चाहिए था। जब मुखालफत में आई हैं तो हम अपने अवामी जज्बात को कहाँ किस तरह इजहार करें? जब मुआशरा प्रेशर नहीं डालेगा तो महंगाई। अच्छा, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन आई थिंक उनकी और हमारी उम्रों में खासा फ़र्क है। और मैं सच बता रहा हूँ कि जो बोली है बहुत अच्छा बोली है, लेकिन आपका फैसला जो है वो आपका फैसला है। आप हक बजाने पे, जिस चीज़ की कमी नज़र आई मैं वही निशानदेही। तकरीर बहुत अच्छी थी, सलासत भी थी, मवाद की कमी थी और तरीक़ाकार तक नहीं पहुंच पाई जो कहना चाहिए तर्जुमा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। All right, जी, once again, बहुत बहुत शुक्रिया। काशान अंसारी तशरीफ लाइए, काशान अंसारी हमारे दूसरे मुकर्रर हैं, काशान अंसारी साहब तशरीफ लाइए प्लीज, आइए जी। अरे यार तालियां वाले बजाओ यार, ये गलत है, हमारे मेहमान आए हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम काशान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या करते हैं काशान आप? मैं एनईडी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, कौन से क्या क्या कर रहे हैं एनईडी में? एनईडी यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बैचलर्स कर रहा हूँ। माशाल्लाह, और उसके बाद मास्टर्स कर रहा था? इंशाल्लाह। मास्टर्स किस में करेंगे? मीडिया साइंसेज की तरफ। अरे वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, एनईडी के अंदर मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, ओशा के अंदर मास्टर्स होती है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हैज़र्ड, इसमें होती है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हैज़र्ड्स इसके अंदर नहीं होती। आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसे ही अपनी राय दे रहा हूँ, कभी अगर चांस लगे तो उसको देखिएगा कि है क्या, तो उसमें बड़ी बहुत बहुत अच्छा जाएगा इसके साथ, आपके जो बैचलर्स है इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा। आज मौजू है फलों का बॉयकॉट, क्या कहते हैं आप?
میں مخالفت کروں گا اس کی مخالفت کریں گے اجازت لیجیے اور شروع کیجیے عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں اور غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھراج کرتے ہیں صدر علی وقار ایوان میں پیش کردہ قرارداد مہنگے پھلوں کا بائیکاٹ اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں ارے کس چیز کا بائیکاٹ غریب غریب کے خوابوں کا بائیکاٹ اور اس کا بائیکاٹ 300-400-500 روپے مزدوری جب وہ گھر لے کر جاتا ہے کہ آج اس کے بچے روزہ افطار پانی سے نہیں کریں گے بلکہ کچھ سموسوں سے کریں گے کچھ پکوڑوں سے کریں گے اس کا بائیکاٹ یا پھر اس کے خوابوں کا بائیکاٹ جناب والا اگر مہنگے پھلوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس کا سراسر نقصان غریب غریب پھل فروشوں کو ہوتا ہے جناب والا بات کی گئی پھل مافیا کی جناب والا مافیا وہ ہے جو ہزاروں کی تعداد میں پھل لے کر گوداموں کے اندر رکھی ہوئی ہے اور اگر ہم بائیکاٹ پھلوں کا کریں گے تو وہ شہر سے باہر ملک سے باہر ان پھلوں کو بیچ دیں گے تو جناب والا آج جو پھل مہنگے ہیں وہ کئی گنا زیادہ اور مہنگے ہو جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھل نہ ملیں جناب والا کس یہ بائیکاٹ کا بات کرتے ہیں جناب والا جب یہ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو مہنگے مسالہ جات سے تیار کردہ سموسے پکوڑے اور دوسری چیزیں جناب والا مشروبات بوتل اور یہ ساری چیزیں جو یہ ہزاروں روپے ٹیکس دے کر خرید لاتے ہیں اس چیز کا کبھی بائیکاٹ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ پھلوں کا بائیکاٹ کریں گے اور جناب والا ایک طبقہ یہ بھی ہے جو گھروں کے اندر اے سی میں بیٹھ کر اسٹیٹس فیس بک پر پروفائل پکچر لگاتا ہے اسٹیٹس لگاتا ہے کہ پھلوں کا بائیکاٹ ارے تم باہر تو نکلو دیکھو اس غریب بان کو دیکھو جو 40 ڈگری سینٹی گریڈ میں پھل بیچتا ہے اور جناب والا ہم اندھی تقلید کا شکار ہیں اور اندھی تقلید پھر مسلط ہو جاتی ہے اور ہمارے اوپر جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ گرے کھڑے ہیں گردن جھکا کیا کا جو حکم ہوگا بجا کہیں گے ہماری نسلیں تمہاری خادم تمہی کو اپنا فقہ کہیں گے اور جلا کے کٹیا پھر سے ہماری کرو اجالا محل میں اپنے خدا کا سایہ ہو تم زمین پہ تمہی کو اپنا خدا کہیں گے بہت بہت شکریہ جی فرحان کاشان انصاری صاحب بہت اچھے انداز میں آپ نے تقریر کی آپ کا انداز بھی بہت اچھا تھا اور آپ کے جو دلائل تھے وہ بھی بڑے اسٹرانگ تھے اور بڑے پرجوش پرجوش بہت اچھے اسٹرانگ بھی تھے اور واقعی ایسا ہونا چاہیے کچھ جگہوں پر آپ اٹک رہے تھے جو آپ کو نہیں اٹکنا چاہیے کیونکہ وہ جو ہے نا آپ کی اس تقریر میں ایک چھوٹا سا عیب نماسا ہو رہا ہے لیکن وہ اس کو آپ صحیح کریں آپ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں آپ کا انداز بہت اچھا ہے جیسے پچھلے کچھ سیگمنٹس میں ہمارے ساتھ لوگ تھے جن کے الفاظ کے ساتھ ان کا جسم ان کی آنکھیں ان کے لب و لہجہ ان کا ساتھ دے رہا تھا ویل ڈن جی عائشہ جب بزر بج رہا تھا تو آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے مزید آپ وقت لے رہے تھے ایک تو غلطی یہ ہے آپ کی دوسرا یہ کہ اتار چڑھاؤ جو تھا نا الفاظوں میں بس وہ ایک جوش جو چلا آ رہا تھا وہ آخر تک قائم تھا اس میں تھوڑا سا کہیں آپ کو آواز کو ہلکا کرنا تھا کہیں تیز کرنا تھا وہ کمی لگی مجھے لیکن مواد آپ کا بہت اسٹرانگ تھا بہت اچھا تھا پروفیسر صاحب آواز اور انداز بہت ہی عمدہ ادائیگی بھی بہترین لیکن ایک شبہ سا ہو رہا تھا یہ خدا سمجھیں گے یہ یہ تھوڑا سا آخری جو قطع ہے وہ ذرا دوبارہ پڑھ دیجئے گا اس طرف گئی ہے بات یہ مناسب بات نہیں تھی بالکل اور دوسری بات ایک تھوڑا سا تصور سرمایہ داروں کی حمایت کا ابھرتا ہے احتجاج کا طریقہ کیا ہوگا کچھ نہ کچھ ایک کام کرتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے دوران آپ وہ اشعار ان کو سنا دیجئے تاکہ اس کی میں بھی اگر کہیں کوئی تصحیح ہونی ہے تو وہ تصحیح ہو جائے مجھے بھی یہی لگا تھا میں انتظار کر رہا تھا کہ کب باری ختم ہو تو پھر چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد اللہ
हादिया कामरान साहिबा तशरीफ लाइए। हादिया कामरान साहिबा, महंगे फलों का बॉयकॉट जो है वो मौजू है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका नाम ठीक लिया मैंने, हादिया या हादिया? हादिया कामरान। हादिया कामरान, क्या करते हैं आप हादिया? मैं सेकंड ईयर में हूँ आ खान कॉलेज में। आ खान कॉलेज में, और आगे क्या इरादे हैं, क्या बनेंगी? आगे सीए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुकर्रर बनने का शौक है? जी, तकरीरों करने का शौक है। और कब, कितनी की हैं तकरीर अब तक? इंटर स्कूल्स में की हैं। इंटर स्कूल्स में की हैं, इनामात जीते? जी। खासे जीते? आज कैसा फील कर रही हैं? नर्वस तो थोड़ी सी है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। इजाज़त लीजिए, शुरू कीजिए महंगे फलों का बायकॉट। आप इसकी मुवाफ़क़त में बोल रही हैं, मुखालफत में? मुवाफ़क़त। मुवाफ़क़त, ठीक है। सदरे आली वकार, इंसान भी अजब चीज़ है कि जब मानने पर आए तो पत्थर को भी खुदा मान लेता है, और जब इनकार करने पर आए तो खुदा की खुदाई से इनकार करता है। जब जुल्मो बर्बरियत पर आए तो चंगेज खान की तरह खोपड़ियों के मीनार खड़े कर देता है, और जब मोहब्बत करने पर आए तो किसी मजनू की तरह लैला के कुत्ते को भी सीने से लगा लेता है। सदरे आली वकार, और जब ये इंसान इंतकाम लेने में आए तो इंतकाम की भड़कती हुई आग में अपनी दिल की भड़ास निकालने के लिए ये इंसान डट जाता है। जी हाँ सदरे आली वकार, ये इंसान डट जाता है। और फिर कुछ इस किस्म के जुमले सामने आते हैं कि फल फरोशों का बायकॉट किया जाए। फल फरोशों का बायकॉट, यानी गरीबों का, मजदूरों का बायकॉट किया जाए। सदरे आली वकार, पता चलता है कि ये कौम मुत्तहिद हो गई है, ये कौम आवाज़ उठाती है, नारा लगाती है, ये कौम डर जाती है, मगर वतन फरोशों के खिलाफ नहीं, ज़मीर फरोशों के खिलाफ नहीं, बल्कि ये कौम फल फरोशों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाती है। जिनके घर में दो वक्त की रोटी नहीं, जिनके बच्चों के बदन पर लिबास नहीं, रोटी कपड़ा मकान नहीं, जीने की कोई आस नहीं, मकसद इनके पास नहीं, ये कौम डर जाती है। सदरे आली वकार, बचपन में बाबा कहते थे कि मेहनत करने में अजमत होती है, मेहनत करने वाला अजीम होता है, बेटा इनकी इज्जत किया करो। बाबा, मैं तो अभी इनकी इज्जत करती हूँ, मगर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि अपने ही अपनों को डस रहे हैं, अपने ही सता रहे हैं, अपने ही रुला रहे हैं, अपने ही बगावत पर उतर आए हैं, अपने ही आवाज़ उठा रहे हैं। सदरे आली वकार, ये क्या हो रहा है? गंदम अमीरे शहर की होती रही खराब, गंदम अमीरे शहर की होती रही खराब, बेटी किसी गरीब की फाकों से मर गई। मौरख लिखेगा, और क्या खूब लिखेगा, कि एक कौम वतन फरोशों और ज़मीन फरोशों को छोड़कर फल फरोशों के खिलाफ मुत्तहिद हो गई। जी हाँ सदरे आली वकार, फल फरोशों के खिलाफ मुत्तहिद हो गई। शुक्रिया। हादिया हादिया, वहीं रहिएगा। फरहान, माशाल्लाह हादिया, बहुत अच्छा अंदाज था आपका, मौज़ू भी बहुत अच्छा था, आपके अपने दलाइल अपनी जगह बिल्कुल मजबूत थे, और आप कहीं अटकी भी नहीं, मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू जी। भरपूर तैयारी माशाल्लाह, अल्फाज का उतार चढ़ाव बेहतरीन था, मवाद बहुत स्ट्रांग था, बहुत बेहतरीन तकरीर थी, बहुत अच्छी जी। बिलाशुबा जितनी तकरीरें तीन हो चुकी हैं, ये सब बहुत ही उम्दा तकरीर थी, मवाद भी, अदायगी भी, फन खिताबत का जौहर भी। एक मुकर्रर या मुकर्ररा को जो अंदाज़ अपनाना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज के साथ, तलफ़ुज़ अदायगी के साथ, सब कुछ मारा माल था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खावर अब्बास हमारे पास ओकाड़ा से तशरीफ़ लाए हैं, खावर अब्बास के लिए बहुत सारी तालियां, इस्तकबाल कीजिए। आइए खावर, क्या करते हैं खावर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हेरिटेज कॉलेज मैं MIT का स्टूडेंट हूँ, हवेली लखा, ज़िला ओकाड़ा, पंजाब से ताल्लुक़ है मेरा, और इस प्रोग्राम में स्पेशल स्पीच कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करने के लिए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो इससे पहले करते रहे स्पीच कंपटीशन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, CM की तरफ से गोल्ड मेडल ले चुका हूँ, PMC से भी मैं गोल्ड मेडल ले चुका हूँ, और पंजाब में मेरा एक रिकॉर्ड है कि मैं एक साल में 40 कंपटीशन विद इन फर्स्ट पोजीशन विन कर चुका हूँ। वाओ वाओ, क्या बात है, क्या बात है बेटा, वंडरफुल। इजाजत लीजिए, शुरू कीजिए। दरूद पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। सदरे आली वकार, आज के
इस पुरवकार ऐवान में जेरे बहस करारदाद महंगे फलों का बाइकाट अली वकार में इसकी पुरजोर हमायत करता हूँ। आइए दो दिन पहले आपको एक वाक्या आपकी जेर नजर करता हूँ। अहमद नदीम छोटू जो खरादिये की दुकान पर 150 रुपए के इवज अपने बचपन के ख्वाब बेचता है, घर में बहन और उसकी कुल कायनात उसकी बीमार माँ है जिसको डॉक्टर ने फल खाने का मशवरा दे रखा है। अली वकार वो 150 रुपया लेकर बाजार जाता है फल खरीदने के लिए, अपनी माँ को खिलाने के लिए। लेकिन अली वकार सेब उससे दूर है, खजूर उससे दूर है। आहिस्ता आहिस्ता हर एक फल की कीमत आसमान से बातें करती है। आसमान से बातें नहीं, अली वकार उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाती है। तो वो बेबस आंखों के साथ, वो लाचार कंठों के साथ और अपनी गुर्बत का बोझ उठाए अपने घर की जानिब रवाना होता है। लेकिन उसकी आंखों से टपकता एक एक आंसू अली वकार इस माशरे के मुनाफाखोरों के खिलाफ अलमे कहावत बुलंद कहता है और मुनसफीने कराम से कहता है कि बे दम हुए बीमार तो दवा क्यों नहीं देते, तुम कैसे मसीहा हो शफा क्यों नहीं देते, अरे मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तब हश्र उठा क्यों नहीं देते, मुनसिफ हो तब हश्र उठा क्यों नहीं देते। सदर अली वकार मैं भी उस छोटू के साथ अलमे बगावत बुलंद करता हूँ। मुझसे पहले आने वाले मुकर्रीन ने कहा कि फल फरोशों के खिलाफ बाइकाट है। नहीं अली वकार, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मेरा बाइकाट फल फरोशों के खिलाफ नहीं है, मेरा बाइकाट महंगे फलों के खिलाफ है कि जिसमें बेईमानी शामिल होती है, जिसमें पाकिस्तान की गरीब आवाम का खून चूसा जाता है। तो आज आपको मानना पड़ेगा, इस ऐवान में बैठे एक एक शख्स को अलमे बगावत बुलंद करना पड़ेगा। गरीब के ख्वाब बचाने के लिए अलमे बगावत बुलंद करके फलों का बाइकाट करना पड़ेगा, महंगे फलों का बाइकाट करना पड़ेगा। और मेरी इस सदा को मुअज्जज ऐवाने बाला और ने जरी तक पहुंचाना होगा कि ऐसा गरूरे निगाहबाने शहर से कहना कि जो पढ़ सके तो पढ़, हर एक सवाब हर एक अजाब वो पढ़ कि जिस दीवार को ऊंचा करके सर से ऊंचा कर गए लोग, उस दीवार के नीचे आकर एक एक करके मर गए लोग। सोने के हर ढेर के नीचे इंसानों की लाशें हैं, फलों के अंबार लगे हैं, उसको देखने तरस गए लोग, फलों के अंबार लगे। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। Very nice, amazing. Sir, भाई, तबसरा मैं करूंगा अब इस पर। Sir, जवाब नहीं। Excellent, लाजवाब तकरीर। इधर आ बेटा। वाह 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 वाह। बहुत अंदा। वाह 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 वाह। Very nice. और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर साहब का लेकिन नहीं था, लेकिन नहीं था, लेकिन बिल्कुल नहीं आया। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपने तलफ्फुज़ में एक मिस्टेक की है और वो बाकायदा मायने उसके चेंज हो रहे हैं। जब आपने कहा ना अल में बगावत, अल्म कहते हैं गम की कैफियत को, दर्द अलम अलम अलम, ठीक है ना जी। हाँ नहीं अलम जबर नहीं था इनके, अल्म कहा आपने, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा अलिफ, अलिफ जरा मेरे माइक्स, आपने एन से जब बोलेंगे उसका तलफ्फुज़ भी वही है जो अलिफ से है। अलिफ से बोलेंगे तो अलम यानी तकलीफ दर्द, लेकिन एन से बोलेंगे तो भी अलम बोलेंगे, अल्म नहीं बोलेंगे। ये एक आपने थोड़ी सी मिस्टेक की है, बाकी बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह। थैंक यू। ये सर हमारे माइक्स काट दीजिएगा, म्यूजिक थोड़ा लाउड कर दीजिएगा, जरा बात करनी है। माइक काट दीजिएगा हमारे, बिल्कुल माइक काट दीजिएगा। We'll be right back.
आप चारों लोग मेरे साथ आ जाइए। और अब्बास साहब, ये यूनैनिमस डिसीजन है कि आप तो अगले लेवल में जा रहे हैं। आदिया कामरान, आप अगले लेवल में जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों घर जा रहे हैं। लेकिन जजेस का मुत्तफिक का फैसला और मेरी राय भी इसमें शामिल है कि आप दोनों को एक मौका देना चाहिए। वंडरफुल एफर्ट बेटा, वंडरफुल एफर्ट। साहिर भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अक्सर नाजरीन अक्सर ये समझ रहे होंगे कि दो तीन दिन से ये हो रहा है कि चार चार लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, उसमें से निकलेगा कौन। ये मैं बताता चलूँ, ये हम लोग जजेस का मुत्तफ़िका फैसला इसलिए है कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के डिबेटर चाहिए, तकरीर करने वाले चाहिए, हल्के से भी लूज नहीं चाहिए। हम चाह रहे हैं कि हमारा फाइनल इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हम खुद मुश्किल में पड़े। अभी भी आई थिंक आप लोग खासे मुश्किल में। तुम लोगों को मौका देने की वजह क्या? पाकिस्तान की आवाज़ बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाज़ हल्की नहीं होनी चाहिए। इस तरफ तक के कैमरे आपको देख लें बेटा, सिर्फ इतना है, हमारा ये बिलीव है कि आप दोनों में बहुत सलाहियत है। शायद आज का दिन और ये दो मिनट आपको वो चांस प्रोवाइड नहीं कर पाते अगर हम आपको एलिमिनेट कर देते। दे आर ट्रस्टिंग यू, ये आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इनके एतमाद को धोखा मत दीजिएगा। मजीद तैयारी कीजिएगा, अगले लेवल में एडवांस करें। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको मैं एक कलाम सुनवाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जुल्फिकार हुसैनी साहब तशरीफ ले आए हैं। बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिए। देखो यार, एक बात है, अगर तालियां वालियां बजाओगे नहीं तो फिर चला मैं। ये बात। अच्छा, चूंकि बात महंगाई की हो रही है, हम में से अक्सर लोग भूल जाते हैं। मेरा अपना एक उसूल है कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। और अगर पीछे मुड़ के देखें तो इसलिए देखें ताकि आपको कुछ सबक मिल सके। आज कल हमारे यहाँ इतनी नफसा नफसी है, महंगाई है। एक कलाम है जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। और जो मेरे टीवी ऑडियंस है उनसे भी कह रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। सर प्लीज़ थोड़ा सा ज़रा कर दीजिए, फरानी आपके लिए भी, आपकी समातों की नज़र है। जुल्फिकार भाई आपके लिए, सर आपके लिए भी, और आप लोग भी शामिल हो जाइएगा इसमें, और जो मेरे टीवी ऑडियंस है वो भी शामिल हो जाए। क्या बात है, सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा।
हाँ जी, शुरू में जैसे साहिर भाई ने आपको बताया कुछ इस तरह का नज़म है, तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय पानी है, चार रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है, जन जमीन सर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो भूल जाए, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, जान कर भी अनजाना बन रहा से प्यार करता है, इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है, आज समझ दे आज समझ दे कल ये मौका हाथ तेरे आएगा, ओ गफलत की नींद में सोने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे, अब न वो हलाकू है और न उसके हाथी है, और जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी, काज किया कल पाएगा, सर को उठा कर चलने ठोकर खाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इतनी हसीन बात हो रही है और ज़ुल्फ़िकार साहब यहाँ मौजूद हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि कुछ कलाम हमें अता हो सके।
जाजा संभल लेते हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ गिरने वाले जाजा संभलते हैं साहिर भाई, एक हकीकत है जिसका एतराफ मैं हमेशा करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ के अपनी औकात से हुजूर का हम पर आने वाले अजाब टलते हैं सुभान अल्लाह बेटा तुम्हारा नाम क्या है रिजवान मुझे माइक दे दीजिए कोई उम्मीद नहीं थी मैं यहाँ आऊँगी और मुझे उम्रे का टिकट इस तरह से मिलेगा सिर्फ एक... आप कहाँ थी जब जुल्फिकार हुसैनी साहब पढ़ रहे थे कहाँ गई थी उस वक्त मुझे इस तरह से महसूस हो रहा था कि जैसे मैं उनके दर के पास हूँ और एक गधा बनकर ना वहाँ सवाल कर रही हूँ जैसे जिस तरह से उन्होंने नात पढ़ी थी उनका एक एक शार जो है ना एक एक शेर का मिसरा है वो दिल को छू रहा था बहुत इस तरह से फील हो रहा था कितने घर वाले हैं आपके मेरे घर में अम्मी अबू और पाँच बहन भाई कितने टोटल मतलब आठ फैमिली हैं हम लोग पांच बहनें तीन भाई और हमारे पास तो सिर्फ दो हैं उम्रे के टिकट अब क्या करें तीन देने फिर अम्मी के अब्बू और मैं चली जाऊंगी अच्छा चलो एक काम करो सारे लोग जाओ थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका आपके डिलक्स हॉलीडेज की तरफ से आपकी पूरी फैमिली को बहुत उम्रा मुबारक हो प्राण आप अपने हाथ से दे दीजिए ऐसे तो हो नहीं सकता और आपने ये कैसे सोच लिया कि आपकी माँ यहाँ पर रह जाएगी और हम ये बर्दाश्त करेंगे चलिए जी छोटा सा एक ब्रेक है आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद बहुत शुक्रिया लेकिन तालियां जरा ज्यादा होनी चाहिए तो मजा आएगा और ज्यादा होनी चाहिए अब ये वो सेगमेंट है जो मैं बहुत दिल से करता हूँ बहुत दिल से करता हूँ उसका रीजन ये है कि मैं इस शख्स को जानता हूँ और बहुत करीब से जानता हूँ वन डे हम में से कोई भी नहीं होगा आप अल्लाह करे हमेशा रहें लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मैं नहीं हूँ
ये तस्वीर है अब्दुल सत्तार ईदी की, यहां लिखा है हैशटैग बॉटल ऑफ चेंज, आओ भरे। कंपनी है कोको कोला की, ये बॉटल्स मैं भर रहा हूं ईदी के लिए। ईदी साहब के जाने के बाद अतियात में कमी आ गई है, और इतनी ज्यादा कमी आई है कि अब उनका फंक्शन करना मुश्किल हो रहा है। इदारा वही है, शख्स नहीं है। जब शख्स नहीं है तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे इदारा भी वो नहीं है। लेकिन अगर ईदी सिर्फ एक नाम था तो ये बॉटल मत भरे। अगर ईदी सिर्फ यहीं पर आके खत्म हो जाना है तो ये बॉटल मत भरे। अगर ईदी ने उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था तो ये बॉटल मत भरे। अगर ईदी उन लोगों के लिए नहीं करता जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है तो ये बॉटल मत भरे। अगर ईदी उन लोगों के लिए नहीं करता जिनके पास कफन के पैसे नहीं होते या जिनकी लाशों को उनके प्यारों को पहुंचाया जाता है तो ये बॉटल मत भरे। अगर ईदी उन माओं को गले नहीं लगाता जिनको बच्चे उनके दरों पे छोड़ के चले जाते हैं, ईदी होम्स के अंदर छोड़ के चले जाते हैं, तो ये बॉटल मत भरे। अगर ईदी मेंटली चैलेंज लोगों को अपनी बाहों में नहीं भरता, उनके नहाने का, उनके खाने का, उनका ख्याल नहीं रखता, तो ये बॉटल मत भरे। अगर ईदी झूले में से पड़े हुए बच्चे नहीं उठाता, उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं करता, बेटियों की शादियां नहीं करता, तो ये बॉटल मत भरे। और अगर ईदी ये सब कुछ करता है तो एक शख्स चला गया है, इदारा यही है, मेरे और आपके लिए काम करता है। आप खड़ी हो गई हैं, थैंक यू। क्या बात है, ऐसा ही सब कुछ होता है। जरा हाथ उठा के तालियां बजाइए ईदी के लिए। थैंक यू टू कोको कोला, थैंक यू कोको कोला, थैंक यू अब्दुल सत्तार ईदी, थैंक यू। मैं आपके सामने भीख लेके आ रहा हूं, मुझे ये बॉटल भरनी है। है कोई जो मुझे सिक्का दे सकता है, 5 रुपए का 10 रुपए का, कोई है जो ईदी की ये बॉटल भर सकता है? इज एनी वन आउट देयर, दीजिए मुझे, मैं खुद मांग रहा हूं आपसे। लाइए लाइए, मुझे सिर्फ ये बॉटल भरनी है, 30 दिनों में मुझे ये 30 बॉटल भरनी है। लाइए, ये लेके जाइए, उधर लेके जाइए, भरिए, दीजिए मुझे, दीजिए, लाइए लाइए। अच्छा, आप बॉटल, ये बॉटल भर के लाइए, इनके लिए बहुत सारी तालियां। इसमें से पैसे निकाल के उसमें डालिए, लाइए लाइए। जी जी, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। लाइए मुझे बॉटल दीजिए। थैंक यू सो मच। और कौन कौन है, ऊपर से, आगे से, पीछे से, जो शख्स देना चाहता है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लाइए, दे दीजिए मुझे। थैंक यू। मैम, इस वक्त मैं ईदी साहब की बात कर रहा हूँ, जी, लाइए मुझे जाए। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू मैम। मैं इस वक्त मैं जरूर, अगर आपका उम्रे का टिकट निकलेगा तो मैं जरूर दे दूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू। लाइए, आने दीजिए इनको, आने दीजिए। थैंक यू बेटा, बस, थैंक यू। लाइए, थैंक यू मैम। एक बार आप सब लोग ईदी साहब के लिए, बॉटल तो भर गई है, ईदी साहब के लिए खड़े होकर तालियां बजा दीजिए प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जो ग्रेट नेशंस होती हैं वो अपने ग्रेट लीडर्स के लिए खड़े होकर उनका इस्तकबाल करती हैं। दिस इज गोइंग आउट टू अब्दुल सत्तार ईदी साहब। तालियां कम है तालियां, क्या कर रहे हो तुम लोग, कम है तालियां। तुमको पता है वो शख्स अकेले जाके तुम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए भीख मांगता रहा है। तुम्हें पता है ईदी साहब ने एक दिन मुझसे क्या कहा था? वो मुझसे कहते हैं कि जब मुझे ऐसे लगता है कि लोगों ने देना छोड़ दिया है तो मैं मज़ार-ए-कायद पे खड़ा हो जाता हूं और अपनी झोली को फैला देता हूं, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए।
बहुत हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो। थैंक यू अब्दुल सतारी जी, थैंक यू कोको कोला फॉर दिस कैंपेन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बराने चोज ये भी हो गया, लुक एट दिस, ये भी यहीं से हुआ है, ये भी यहीं से हुआ है, और ये बॉटल भी यहीं से हुई है। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, आप सबको खुश आमदेद। टेलीविजन के वो नाज़रीन जो साथ हमें देख रहे हैं, आपको बता दें कि इस वक्त हमारा क्विज का कॉम्पिटिशन जो है वो शुरू हुआ है। आज हमारे पास, इसको बढ़ाना ज़रा, आज हमारे पास हमेशा की तरह तीन तीन टीमें हैं और इस मुकाबले के तीन ही राउंड्स हैं।
पहला मरहला MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, जिसमें एक सवाल होगा, एक सवाल के चार जवाब होंगे, चार में से एक दुरुस्त होगा। आप पे लाजिम है कि आप बजर सिर्फ उस वक्त बजाएं जब आप वो चारों जवाब सुन चुके हों। दूसरा मरहला यस और नो का होगा, यानी हाँ या ना का सवाल होगा। आप पे लाजिम है कि सवाल आप पूरा सुन लें, उसके बाद आप बजर बजाएं। तीसरे मरहले पे आप बजर कभी भी बजा सकते हैं, और जब आपकी मर्जी हो मुझे बता दीजिएगा, मैं वहीं रुक जाऊंगा, फराज से कह रहा हूं मैं। तीसरे मरहले पे आप बजर कभी भी बजा सकते हैं। तीनों पॉइंट्स को मिला दिया जाएगा और फिर कोई एक टीम आगे क्वालिफाई करेगी। आप तमाम हजरात की इजाजत से मैं शुरू करना चाहता हूँ। शुरू कर लें, तारुफ करवाता चलूँ। टीम ए में हमारे पास हैं शबाना अली और अतीक रहमान साहब। आप शादीशुदा हैं, सलाम अलैकुम माइक में। सलाम अलैकुम। खैर से कितने साल हो गए शादी को? 88 में हुई थी और तकरीबन माशाल्लाह आप लगा लीजिए साहब 29 साल। नहीं मैं क्यों लगाऊं, आप लगा रहे होंगे वो तो। 29 साल हो गए। 29 साल बहुत खुशी से गुजर गए, जल्दी गुजर गए। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं चला। इनफैक्ट पता नहीं चला, बहुत अल्लाह का शुक्र है। बहुत जाहिर है, दो तीन साल के बाद तो इंसान को दर्द का एहसास नहीं रहता, आदि हो जाता है वो। अच्छा ये बताइए, कभी कभी दिल चाहा, बेगम से कितनी मोहब्बत करते हैं? जाहिर है मोहब्बत तो है बिल्कुल, बहुत, उसके कोई हद नहीं है। हद नहीं, कभी दिल चाहा कि ऐसी मोहब्बत किसी और से की जाए? हाँ, इन जैसी अगर दूसरी हो तो यकीनन की जाएगी। यार इस पे तो तालियां बनती हैं भाई, सीधी बात है, बनती हैं। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब, बड़ा बड़ा छुपा के इधर उधर से निकाल के जवाब है। भाभी कैसी हैं आप? ठीक हैं, अच्छी जी, अल्लाह का शुक्र है। इनकी सबसे अच्छी आदत क्या लगती है आपको? इनका ये मतलब इनकी सबसे अच्छी आदत ये है, अगर कोई गलती होगी तो उस पे डांटेंगे, अगर कोई अच्छी बात होगी तो अप्रिशिएट करते हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, हमारी दूसरी टीम में है तहसीम नाज जी। तहसीम नाज, सलाम अलैकुम। एंड नजमा नूर, आप मदर एंड डॉटर हैं। तहसीम का मतलब क्या होता है? अप्रिसिएशन। ओके, क्या करती हैं तहसीम आप? मैं सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। सेकंड ईयर मेडिसिन में, ओके। तो आपको आपको लगता है कि आज आप लोग जीतने वाले हैं? इंशाल्लाह। हमारी टीम, तीसरी टीम जो है वो नूर अफरोज साहब और रियाज अहमद साहब, ये भाई बहन हैं, भाई बहन है। क्या करते हैं अफरोज साहब? हाउसवाइफ हूँ और भाई कलर का काम करते हैं। भाई कलर का काम करते हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आज जीत रहे हैं आप लोग? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, मे द बेस्ट टीम विन। हम शुरू करने जा रहे हैं मुकाबला। फिर बता दूं, जब आप एक बार बजर बजा देंगे तो दूसरे लोगों की बजर नहीं बजेगी, जो सबसे पहले बजर बजेगी उसी का जवाब मिलेगा। बजर सिर्फ उस वक्त बजाइएगा जब आप सवाल और चारों ऑप्शन सुन लें। सवाल नंबर एक, रिक्शा किस मुल्क की ईजाद है? जापान, चीन, सऊदी अरब या बांग्लादेश? बी जापान। जापान जवाब दुरुस्त है। लफ्ज पाकिस्तान किसने तजवीज किया? मौलाना साहब, बजर नहीं बजानी है, जब तक चारों जवाब मैं आपसे पूछ ना लूं, दे ना लूं, तब तक बजर नहीं बजानी है। क्या करें, डिस्क्वालीफाई करें या ये चलने दें? अरे यार तुम लोग बोलोगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। चांस दें, सारे मिलकर बोलो चांस दें। और आए तो चांस दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं। सवाल सुन लीजिएगा, लफ्ज पाकिस्तान किसने तजवीज किया? अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, मोहम्मद अली जिना, अल्लामा इकबाल या चौधरी रहमत अली? बी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, चौधरी रहमत अली। सवाल को गौर से सुनिएगा, कराची का सबसे बड़ा गवर्नमेंट अस्पताल कौन सा है? कराची का सबसे बड़ा गवर्नमेंट अस्पताल कौन सा है? अब्बासी शहीद अस्पताल, कतर अस्पताल, जिना अस्पताल या सिविल अस्पताल? सी सिविल अस्पताल। आपने जवाब दिया था, इन्होंने सी ने जवाब दिया, सिविल अस्पताल। कितने लोग कह रहे हैं सिविल सही है? कितने लोग समझते हैं सिविल ठीक है? कौन सा है? जिना अस्पताल। अच्छा जी, फुटबॉल के मैच में, प्लीज ऐसे बजर मत बजाइए, फुटबॉल के मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल के मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं? याद रखिएगा मैंने पूछा है, फुटबॉल के मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं? 13, 10, 11 या 22? ए जी 22 जवाब
फुटबॉल के मैच में, मैच दो टीमों से मिलकर बनता है, तो उनका जवाब सही है, 22 खिलाड़ी होते हैं। दुनिया की सबसे लंबी दीवार किस मुल्क में है? अच्छा मैं जा रहा हूं, छोड़ दे, बस फजूल है, मतलब फजूल है, कोई आप लोग सुन तो ले मैं क्या कह रहा हूं। आपने बजर नहीं बजानी है, मुझे पता है आपको जवाब पता है, बजर नहीं बजानी है। चांस दें, अच्छा बच्चों से पूछता हूं, चांस दें, दे दो दो एक चांस, दे दो एक 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 प्लीज एक 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 चांस, एक चांस, जस्ट वन, जस्ट वन, जस्ट वन, एक चांस दे दें, ओके एक चांस, बच्चों ने कहा है दे दें तो आपको दे रहे हैं। हाँ जी, दुनिया की सबसे लंबी दीवार किस मुल्क की है? जापान, अमेरिका, चीन या इटली? बी, चीन। चीन जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ये बजर सही है, बिल्कुल बजेगा नहीं क्योंकि बी ने पहले बजर बजा दिया है। एक बार जब बजर बज जाएगा तो दूसरा बजर बजने में 10 सेकंड का वक्फा आएगा, ये सिस्टम है ताकि हमें पता चल सके कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा। ओके जी, हियर वी गो। आईफिल टावर कहां वाके है? आईफिल टावर कहां वाके है? लंदन, जोहान्सबर्ग, पेरिस या दुबई? ए, ए, पेरिस। जवाब सही है, दुरुस्त है, ये तो सबको पता होगा। इस्लाम का पांचवा रुकन कौन सा है? रोजा, नमाज, जकात। जी पांचवा रुकन कौन सा है? हज। जवाब सही है। इस मरहले का आखिरी सवाल, गौर से सुनिएगा, कौमी तराने की धुन किसने तरतीब दी? कौमी तराने की धुन किसने तरतीब दी? अहमद जी छागला, हफीज जालंधरी, अल्लामा इकबाल या जी ए? क्यों आप, क्यों जब तक मैं आपको जवाब बताना दूं आप लोग क्यों बजा रहे हैं बजर? ए और बी डिस्क्वालीफाई हैं, इसके लिए मैं आप चांस नहीं दे रहा, ए और बी, नो, ए और बी डिस्क्वालीफाई हैं, सॉरी, सी को मैं ऑप्शन दे रहा हूं, सी को मैं ऑप्शन दे रहा हूं, अहमद जी छागला, हफीज जालंधरी, अल्लामा इकबाल या बाबा जी चिश्ती? अहमद जी छागला। अहमद जी छागला जवाब सही है। दूसरा मरहला शुरू होता है, याद रखिएगा, दूसरे मरहले में यस और नो का ब्रेक है। आइए जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से पहले तक के वाओ किसी का भी मुकाबला है। टीम ए ने हासिल किए हैं 2 पॉइंट्स, टीम बी के हैं 4 पॉइंट्स और टीम सी 1 पॉइंट के साथ है। छोटा सा एक ब्रेक, देखते हैं कौन जीतेगा, कौन आगे एडवांस करेगा, अभी 2 मरहले बाकी हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मरहला, पहले मरहले में तकरीबन मुकाबला बराबर है, 4 पॉइंट्स है टीम बी के, 2 पॉइंट्स है टीम ए के, टीम सी है 1 पॉइंट पर। सवाल सुन लीजिएगा, यस और नो का सिलसिला है, सवाल सुनने के बाद बजर बजाइएगा। मेरा पहला सवाल है, रमजान का पहला इशरा जहन्नुम से खुलासी का है? नहीं नहीं नहीं। जवाब दुरुस्त है, कुरान, आप लोग तालियां जरा जोर से बजाएंगे तो मजा आएगा, थैंक यू। कुरान पाक दूसरे अशरे में नाजिल हुआ? नहीं। बी, नहीं। बजर के साथ बी का, बी का जवाब दुरुस्त है। मिस्र का दारुल खिलाफा काहिरा है? ए, जी हाँ। जवाब दुरुस्त है। सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शिफा भी है? सी, जी हाँ, जी हाँ। जवाब दुरुस्त है। शायर मशरक अल्लामा इकबाल का लकब है? बी, नहीं, यस, हाँ, हाँ, हाँ। माने या नहीं माने, माने या नहीं माने? जवाब दुरुस्त है। हदिया
फारसी जबान का लफ्ज है? ए नहीं, जवाब दुरुस्त है, अरबी जबान का लफ्ज है। लाड़काना के अमरूद मशहूर हैं? ए जी हाँ, मशहूर है लाड़काना के अमरूद। नहीं, मजार कायद की मौजूदा तामीर 1999 में हुई? जी ए जी हाँ। नहीं, सन 2000 में। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे का नाम हजरत इमाम? जी इमाम हसन। नहीं, क्या है? इमाम हसन है। मैंने सवाल हाँ या ना का कहा था ना, क्या मैंने सवाल मुकम्मल कर लिया था? तो इन क्या क्या किया जाए, क्या किया जाए? काट दें आपके पॉइंट, माइनस कर दूं इनके पॉइंट्स, पक्की बात है? मुझसे नहीं, आवाम से कहें अगर चांस मांगना चाहते हैं। आप उनसे बोलिए, उनसे बोलिए, माइक में बोलिए। सही जवाब दिया है बड़े नवासे इज्जत इमाम हसन। अगर मैं ये कहता नहीं था तो आप क्या कहते? नहीं, एक मिनट, अगर मैं, आपने सवाल सुना ही नहीं है। असल में मसला ये है कि हम रूल्स को, आपने बढ़ेगा कहा? अरे भाई, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ था। सवाल को हम शेप देते हैं खास, उसके बाद हम हाँ या ना कहते हैं। ट्रिक क्वेश्चन होता है। आप क्यों बहस करते हैं उन बातों पे जो, क्या मैं कहूं आपसे, क्या करना है आपको? हम नेगेटिव इसमें रखते हैं, आप दोनों को एक एक पॉइंट्स दे रहा हूं मैं, ए और बी को इसी सवाल पे पॉइंट्स हैं। दिरहम सऊदी अरब की करेंसी का नाम है? जी हाँ है। आपने पहले बजाया ना बजर? बी ने पहले बजाया बजर, बजाया है। ओके, आप इसमें ये सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आप दोनों से पूछता हूं, दिरहम सऊदी करेंसी का नाम है? ए ए बजर 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 नहीं, जवाब इनका सही है, नहीं, बजर बजाना है, बजर बजाइए। जो पहले, देखिए मैंने बार बार समझाया है, जो फास्टेस्ट फिंगर है ना, जो पहले बजर बजा देता है उसका बजर बज जाता है। सवाल को खत्म होने दीजिए। सियालकोट खेलों के सामान के लिए मशहूर? एक बात बताइए, क्या जवाब देते आप? ऐसा लग रहा था आपने पूछा है सियालकोट। लग रहा था, मैंने अभी सवाल खत्म किया था। एक सेकंड, नहीं किया था ना, तो बहन फिर कैसे कह सकती हैं आप? सवाल तो सुन लीजिए, इतनी जल्दी क्या है, पहले सवाल सुन लीजिए फिर उसके बाद बोलिए ना। आपका फिर एक पॉइंट माइनस हो रहा। नहीं, मैं नहीं कर सकता ये, क्या करें, माइनस होना चाहिए या नहीं? अच्छा, जो लोग समझते हैं नहीं वो तालियां बजाएं, और जो लोग ये समझते हैं होना चाहिए वो तालियां बजाएं। चांस दे रहे हैं लोग। अब सवाल को गौर से सुनिएगा। फास्टेस्ट फिंगर, सियालकोट खेलों के सामान के लिए मशहूर नहीं है। मैं जा रहा हूं खुदा पे, सीरियसली, मतलब दिस इज जस्ट अजीब, दिस इज लाइक हेलो, क्या हो गया है, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, व्हाई आर यू पीपल डूइंग दिस? मुझे बलामा साहब की आवाज खोलिएगा। असल में ये वाला जो तरीकेकार है ना, हाँ, ये एक्सपर्ट कर सकते हैं, ये बेचारे जो सीधे सीधे जवाब देने आए वो नहीं कर सकते। नहीं नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो रहा है, ये उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा सबर ही तो करना है, सवाल तो सुन लेना यार, इतना सबर नहीं तो मुकाबले से आउट कर दो। साहिर भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग रोज देख रहे हैं, हम रोज ही उनके चांस दे रहे हैं, कल जो आएंगे वो भी यही करेंगे। मेरे हिसाब से अब स्ट्रिक्ट होना जाना चाहिए। मैं भी यही कहना चाहता हूं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ हम खत्म करते हैं अपना दूसरा मरहला। तीसरा मरहला शुरू होता है। अब आप जितनी बजर बजाना चाह सकते हैं बजा लीजिएगा। हियर वी गो, तालियां बजाइए इनके लिए। या ये मरहला खत्म हुआ। तीसरी बजर है, हराम मौत किसको कहते हैं? ए
ए ए ए ए जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर कौन सा है? ए चीता। चीता जवाब दुरुस्त है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितनी मंजिला थी? बी मंजिला। तीन मंजिला जवाब दुरुस्त है। बी का जवाब दुरुस्त है। किस नबी की कौम नाप तोल में कमी करती थी? बी हजरत शोएब अलैहिस्सलाम। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने आला तालीम किस मुल्क से हासिल की? ए इंग्लैंड। इंग्लैंड। हजरत दाता गंजबख्श ने कौन सी किताब लिखी? जी ए कशफुल माजूब। कशफुल माजूब जवाब दुरुस्त है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार कहां वाके है? ए अजमेर। दिल्ली। अजमेर। अजमेर बताइए। सही है तो तालियां तो बजाइए। दुनिया में सबसे पहले आंखों का अस्पताल कहां कायम हुआ? ए छोड़ दीजिए। यस जापान। नो। यस इंग्लैंड। नो मॉस्को में। डॉक्टर किस जबान का लफ्ज है? ए ए ए यूनानी जबान का लफ्ज है। वेल सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ लातिनी और यूनानी बोथ है। लातिनी। लातिनी जबान का लफ्ज है। इट्स नॉट नॉट रियली ग्रीक। ग्रीक वो यूनानी होता है। लैटिन। लैटिन इज नॉट ग्रीक। लैटिन इज ग्रीक। लातिनी। ग्रीक। अरे वाह सब लोग एक एक जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान के लास्ट क्वेश्चन अभी फैसला हो गया है। पाकिस्तान के कौन से साइंसदान को नोबेल प्राइज मिला? अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम। बजर सी की बजी थी या ए की बजी थी? किसकी बजी थी? ए का जवाब क्या था? डॉक्टर अब्दुल सलाम। दिखाइए मुझे। मुकाबला बहुत सख्त हुआ है। माइक उठा लीजिए अपने। क्या लगता है आप लोग जीते हैं? कुछ खास अंदाजा नहीं। शायद हो सकता है जीत गए हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे। क्या हुआ? सर बजर। नहीं 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 मैं भी ये जीती हूं। अच्छा आपको क्या लगा? ए टीम जीती। ए टीम जीत गई। कौन जीता है? ये लोग जीते बताइए। ये जीते या ये जीते या ये जीते? ये जीत गए। बहुत सारी तालियां टीम ए के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप अगले लेवल में एडवांस कर जाते हैं। साथ साथ टीम बी के लिए तहसीम एंड नूर अफरोज आप लोग मेरे साथ आ जाइए यहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया खेलने का। आप लोग आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हमारे पास यहाँ खान शूज की तरफ से, करशी जामशीरी की तरफ से, हिमानीज की तरफ से, लेमन मैक्स की तरफ से, एसजी की तरफ से, और व्हाट इज दिस O5 की तरफ से सारे गिफ्ट्स हैं। ये आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। आ जाइए प्लीज़ आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों के लिए। दोनों के लिए तालियां। दोनों टीम्स के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक। और थोड़ा सा ये है कि अगर हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है बजर के मामले में, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि आप लोग अगर गौर से सुन लें और थोड़ा सा ज़रा मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ी सी चीज़ों को क्लैरिफाई भी करें तो वो भी बेहतर होता है।
دنیا میں دو قدیم ترین زبانیں ہیں, ایک لاٹن دوسری گریک, دونوں ایک ارلی ایجز کی زبان ہے, دوسری جو ہے وہ مڈل ایجز کی زبان ہے. ایک زبان نے بہت اور ساری زبانیں اوریجنیٹ کی ہیں. لاٹن سے تو بہت ساری رومانس لینگویجز جو ہیں وہ باہر آئی ہیں, لائک فرینچ اینڈ پورچوگیز اینڈ دا ریسٹ آف اٹ. ڈاکٹراس جو ہے وہ کہا جاتا ہے گریک میں یا یونانی زبان میں, لاٹن کے اندر اس کو ڈاکٹور کہا جاتا ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ جب یہاں مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے کبھی کبھی تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے یہ سمجھنے میں کہ ہم جاتے کیوں نہیں اس کی تہ میں. علم کسی کی میراث نہیں ہے, ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے, اگر آپ, چھوٹی سی بات ہے, اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک پہ آ جائیں گے. اگر آپ مڈل ایجز کی زبانوں کو دیکھیں, جہاں ترقی انڈو یوروپین زبانوں کو دیکھیں, تو آپ کو بہت ہسٹری ملے گی اور بہت سارے ایسے الفاظ ملیں گے جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. بہت سارے ایسے الفاظ ملیں گے. اردو تو ایک لشکری زبان ہے. زبانوں کا حسن سب سے بڑا کیا ہوتا ہے کہ جب زبانیں سیکھنے نکلتے ہیں تو زبانوں کی بنیاد پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ کا ڈائلیکٹ کتنا ہی ڈفرینٹ کیوں نہ ہو, ایکسپریشن اگر درد ہے تو ایکسپلین کرے گا کہ وہ درد ہی ہے. تو بس اتنی سی بات ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں جو بھی کنٹیسٹنٹ آتا ہے, جب آپ بھی شریک ہوں, تھوڑا سا پڑھ کے آئیں, تھوڑا سا پڑھ کے آئیں. بات دونوں ہی درست ہے لیکن تھوڑا سا پڑھ کے آئیے. اچھا, کمنگ بیک ٹو یو سر, سخی اللہ کا دوست ہے, کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین, وهو خیر المعین, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم وعلیہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. دیکھیے, بہت آسان سی بات ہے کہ سخاوت خدا کا وہ حصہ ہے اور وہ صفت ہے کہ جو فیض عام رکھا ہے اس نے, یعنی گویا اس کو خداوند عالم نے کسی مسلمان یا مومن کے ساتھ مختص نہیں کیا, بلکہ ایک عمومیت عطا کی ہے. اور جب عمومیت عطا کی ہے یعنی ہر ایک کے لیے, جب وہ خداوند عالم رزق بانٹتا ہے, اس کا فیض جو دنیا کے لحاظ سے وہ عام ہے. اور سخاوت کے لحاظ سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ جب انسان سخی کرتا ہے, سخاوت کرتا ہے, تو خداوند عالم اس کو گویا اس حوالے سے کہ جب انسان کو کوئی چیز, کسی کی ضرورت, اگر آپ اجازت دیں ایک بات کر سکتے ہیں علامہ صاحب, اگر آپ اجازت دیں ہم مائک آپ کو دے دیں, آپ کا کوئی سوال ہے کہ آپ کس طرح سے دے سکتے ہیں, دینا چاہتے ہیں, اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرنا چاہیے, اس کے بدلے میں اگر آپ کو کچھ جاننا ہے تو وہ, آپ کوئی سوال اگر کرنا چاہیں تو اپنا ہاتھ کھڑا کر لیجیے. علامہ صاحب سے کوئی بھی سوال, کسی سے بھی کوئی سوال ہمارے پینل میں سے کرنا چاہیں, اپنا ہاتھ کھڑا کر لیجیے گا اور مائک مانگ لیجیے گا, مائک ادھر دے دیجیے. جی علامہ صاحب. جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان سخاوت کرتا ہے تو گویا کوئی طلبگار جب اس کی طرف آ رہا ہے اور وہ سخاوت کرتا ہے تو خداوند عالم کو, یعنی گویا ایک رجوع کرنے کا جو مادہ, تو جب انسان کسی مفلس کی, کسی مومن کی, کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو خدا کو اس بات سے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ بندگان خدا پر رحم ہو, ان کی آسانی کا سبب فراہم ہو. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی کہ جب بھی ان کے در پر کوئی سائل سوال کرتا تھا تو وہ پھر سخاوت میں وہ معیار رکھتے تھے کہ ایک در پہ آنے کے بعد پھر سائل کو کسی دوسرے در پہ جانا نہ پڑے, یعنی سخاوت اس حد تک ہونی چاہیے. اور بلکہ یہاں تک روایات بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی انسان آپ سے سوال کرے اور جب آپ اس کا جواب دیں تو اگر وہ مستحق ہے تب بھی, اور نہیں ہے تب بھی اس کی مدد کریں. اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی مدد فرما دی تو گویا کہ آپ نے ایک ثواب تو ضرور حاصل کیا کہ خدا کے لیے اس نے آپ سے طلب کیا اور آپ نے اس کو سخاوت کی, یعنی اس کو عطا کر دیا. اور دوسری منزل یہ ہے کہ اگر مستحق کو دے دیا تو اس میں دو اجر مل جاتا ہے, ایک تو یہ کہ چونکہ اس نے, آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا, دوسرے ایک مومن کی مدد کرنے کے لیے دیا, یعنی اس کی مجبوری کو دور کرنے کا. تو اس حوالے سے بھی دو حصے اس کے بن جاتے ہیں. اب خداوند عالم کے حوالے سے بس ہم یہی کہیں گے کہ جی ہاں, جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر بخل, اس کے سخاوت کے مقابلے میں ایک چیز بخل آ جاتی ہے, اور بخیل جو ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. سخی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے, اور اس میں یہاں تک کہ حاتم طائی کے حوالے سے جیسے کہ ہے کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے کیا ہے, اس کا احترام کیا گیا جب دامن اسلام میں وہ
असीर हो करके आते हैं, तो यानी उसकी नस्ल का एहतराम किया गया कि इसका बाबा जो है वो सखी था। यानी सखावत को खुदा बंदे आलम भी पसंद करते हैं, मेरे रसूल भी पसंद करते हैं। अपने घर में कुछ नहीं है उनके, लेकिन इसके बावजूद क्या है, वो सखावत के लिए ऐसे दरवाजे खोलते हैं कि अगर अपने यहाँ नहीं है तो किसी को तशवीक दिलाते हैं कि कोई है जो इसके सवाल का जवाब दे दे। तो यानी गोया अच्छा, वो एक, एक, एक मेरा सवाल है प्रोफेसर साहब आपसे भी है, क्या रहम करना भी किसी पे रहम करना भी सखावत के ज़ुमरे में आता है? नहीं आता, ये मुझे सवाल कहीं से आया है तो मैंने आपकी नज़र कर दिया। कुरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हमें तालीम फरमाई है, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, ज़मीन में जो खल्क खुदा बसती है तो उन पर रहम करो, अल्लाह तुम पर मेहरबान करेगा। ये नस सनद है, रहम सखावत का ही एक जुज़ है। और रहम क्या है, दरहकीकत किसी के दर्द को तकलीफ को महसूस करके उसकी उस दर्द को दूर करने के लिए असबाब अगर आपके पास है उन्हें बरोएकार लाने का नाम रहम है। तो मुआशरा पूरा इस वक्त हम जब जायज़ा लेते हैं, ज़रूरतमंद हर तरफ मौजूद हैं और उनकी ज़रूरत को पूरा कर देना उन पर रहम खाना है, और यही रहम सखावत की एक तर्जुमानी भी है। इसलिए कि अकासबु हबीबुल्लाह, अल्लाह के रास्ते में असखी हबीबुल्लाह, अल्लाह के रास्ते में सखावत करना ये रहम है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन। अच्छा एक एक सवाल है, आप तीनों लोगों से सवाल है, अगर कोई यहाँ का सवाल है तो मुझे बता दीजिए, और अगर नहीं है तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे बताइए कि जो हम अपने रिश्तेदारों पे कभी कभी उनकी मदद कर देते हैं तो क्या भी ये भी सखावत के ज़ुमरे में आएगी? इसको दो अजर कहा गया है, लहू अजरान है, यानी सखावत तो है ही है, अल अक़रब फल अक़रब, यानी आपकी सखावत के अपने मुस्तहिक आपके रिश्तेदार हैं, अव्वल खेश बादो दरवेश। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया है, आप कोई चीज़ खरीदते हैं अपने घर वालों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, उसमें ये समझ लें कि अल्लाह का हुक्म इनकी परवरिश, यानी यहाँ भी सखी सखावत आप कर रहे हैं, तो लिहाजा आपके लिए दो अजर है, एक तो आपने कफालत का फरीज़ा अंजाम दिया, दूसरा उन पर आपने सखावत का मुजाहरा फरमाया। चुनांचे रमज़ान जब आता है कहते हैं खूब खर्च करो, सखावत करो अपने घर वालों पर भी, इसलिए कि इसमें जो खर्च होता है ऐसा है जैसा अल्लाह के रास्ते में जिहाद में आप खर्च करते हैं। तो अजीज़ों पर, भाइयों पर, ज़रूरतमंद अपने रिश्तेदारों पर खर्च करना ये बेहतरीन सखावत है। ठीक है जी, ठीक है सर। नहीं बस इसमें यही बात है कि जी हाँ, सखावत जो है वो जब इंसान करता है तो उसकी असल वजह यही होती है कि आप अपने अजीज़ अकारीब पे अगर कर रहे हैं तो देखिए सदका भी जो है वो आम तौर पे भी है, लेकिन बेहतरीन सदका ये है कि आप अपने घर वालों पर खर्च करें। और इसी तरीके से सखावत भी ये है कि पहले आप अगर बखील हैं तो अपने घर के लिए बखील हैं तो बाहर के लिए आप सखी नहीं हो सकते, यानी अपने घर में पहले आपको सखी होना पड़ेगा तब आप घर से बाहर सखी हो सकेंगे। अच्छा ये आप भी सखावत का सबूत दें और मैं इल्तजा करता हूँ अगर एक कलाम अता हो सके तो। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, अपने रहमत के समंदर अपने रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बैठकाना हूँ अजल से, बैठकाना हूँ अजल से, मुझे घर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, ख्वाहिश-ए-ज़ात
बहुत साथ दिया है जिधर मेरे मोहम्मद उधर जाने दे मौत पर मेरी शहीदों को रश्क आएगा सुभान अल्लाह मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा बस अपने कदमों प्यारे कदमों से ले पट कर मुझे मर जाने दे बैठे काना बैठे काना अजल से मुझे घर जाने दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 27 रमजान मुबारक जैसे ही आएगी वैसे ही एक खास चीज हम आपके लिए लेके आएंगे मैंने बिगिनिंग से कहा है 27 रमजान को मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान तब्दील हो जाए कैसे होगी ये कोशिश आइंदा आने वाले शोज में बताऊंगा लेकिन 27 रमजान मुबारक को एक आइडियोलॉजी है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं हमारी पूरी टीम काम कर रही है इंतजार कीजिएगा लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अब अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है बाकी इलाकों के रहने वाले लोग अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज मगरिब अदा करें आइए चलते हैं लाहौर की जानिब और हम यहाँ बच्चों की रोजा कुशाई पे मौजूद है क्या नाम है बेटा आपका स्नेहा रोजा रखा था ना जी रोजा तो नहीं लग रहा ना बस अब थोड़ी देर के अंदर खुलने वाला है अब सारी जिंदगी रखना पड़ेगा रोजा मिस नहीं करना है ठीक है और स्नेहा आपका नाम क्या बेटा और इज योर नेम राबिया कितनी उम्र है आपकी 12 साल पहला रोजा है आज आपका तीसरा रोजा है चलो कोई बात नहीं बट तीसरा रोजा है तो अब सारी उम्र के लिए रखना रोजा आप छोड़ना कभी नहीं है पक्का प्रॉमिस ऑल राइट थैंक यू सो मच एंड यू लिटिल मैन सर व्हाट इज योर नेम माय नेम इज सारिम सारिम ओके सारिम तुम्हारा पहला रोजा है आज जी क्या तुम्हारी उम्र है 8 इयर्स ओल्ड तो अब तुम्हें सारा वक्त रखना पड़ेगा रोजा सही है ऑल राइट थैंक यू सो वेरी मच अच्छा सारिम एंड ऑफ कोर्स स्नेहा एंड राबिया यू नो व्हाट आई हैव गॉटन फॉर यू आप लोगों के लिए एहसन उल कलाम मेरे पास है द इस्लामिक पब्लिक स्कूल के ये बैग्स मेरे पास हैं कर्शी जामे शीरी का ये पैक मेरे पास है एंड ऑफ कोर्स आपको पता है आपके इस पे टेबल पे क्या है जामे शीरी है 100% नेचुरल ड्रिंक है 100% नेचुरल खालस ज़रियात से बना हुआ है दी नेचुरल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान कर्शी जामे शीरी देन ऑफ कोर्स वी हैव गॉट कोक एंड यू ऑल नो कि कोक कैसा है जी अभी बताता हूँ आपको मैं एंड देन ऑफ कोर्स नेस्ले प्योर 150 साल हो गए हैं 100% प्योर है जी वॉल्स भी है एंड ऑफ कोर्स दी बेस्ट क्रीमी डिलाइट इन द वर्ल्ड दैट मींस
वॉल्स आपके पास है, वॉल्स इज हेयर, सो एंजॉय. मैं वहां पे जा रहा हूँ, ठीक है, एंजॉय दिस एंड ऑल दिस इज योर्स. ये सब आपका है, ये सब आपका है. फरहान, आइए हम सब मिलकर अफ्तार का वक्त है, दुआ करें. मेरे मौला मौला मौला, 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 मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे से फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पर मिटले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين اے خالق اے مالک, اس قبولیت کے لمحات میں کہ جب تیری طرف سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, انوار و تجلیات کی بارش نازل ہوتی ہیں, مانگنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے, اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے طالب ہیں, اللہ تو ہمارے پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما دے. اللہ جتنے بیمار جتنے پریشان جو مقروض
اللہ جو جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوتے ہیں تو سب کی دعاؤں کو قبول مقبول فرما. اے خالق اے مالک, کتنے ہی بد دکھی بھائی دکھی بہنیں ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. آج بتایا گیا کہ احسن شوگر کی وجہ سے ان کا پاؤں کٹ گیا ہے, کسی نصرت صاحبہ کے بیٹے کے جگر میں کینسر ہے, فہمید عابد آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں. ایک خالق ایک صاحب نور عالم ہیں, ان کے استاد کو کینسر ہے, 6 سال آمینہ جاوید کی شادی کو ہو گئے, اولاد نہیں ہے. اے خالق اے مالک, یہ تیرے بندے تیری بندیاں کہاں جائیں, تجھ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں. اے اللہ سیدنا امام زین العابدین کے صدقے تو بیماروں کو شفا عطا کر دے, پاکیزہ فاطمہ کو شفا عطا کر دے, احمد علی ابن علی اکبر کو شفا عطا کر دے. اے رحمان اے رحیم, جب تک ہماری زندگی کا ایک سانس بھی باقی ہے, اے اللہ تو ہمیں لا علاج بیماریوں سے بچانا, محتاج کر کے بستر پر ڈال دینے والی بیماریوں سے محفوظ فرمانا. یا رحمان, جب تک زندہ ہیں ذلت اور رسوائی کی زندگی سے بچا. اے اللہ, جو بے اولاد ہیں تو سب بے اولادوں کی سونی گودوں کو آباد کر دے. میرے امام علی مقام امام حسین کے صدقے اللہ تو سونی گودوں کو آباد فرما دے, بے روزگاروں کو حلال روزی عطا کر دے. اے رحمان اے رحیم, اے خالق, ان لمحات میں کتنے ہی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, سر جھکے ہوئے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں, شہزادی کونین کی چادر تطہیر کے صدقے اے خالق و مالک ہماری بچیوں کے نصیبوں کو بلند فرما. رشتوں کی بندش و رکاوٹیں ہوں تو دور کر دے. اے اللہ, جن کو طلاقیں ہو گئیں گھر ٹوٹ گئے, اے خالق اے مالک, اللہ تو ہی گھروں کو آباد کرنے والا ہے, اللہ پھر سے ان کے گھروں کو آباد کرنے کا سلسلہ پیدا فرما دے. یا رحمان یا رحیم, اے خالق اے مالک, ایک نظر کرم, کس طرح سب کے سر جھکے ہوئے ہیں, کس طرح تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے اس قبولیت کے لمحات میں حاضر ہیں, تجھ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے. تیری عزت کی قسم ہے, دنیا میں جس کی نوکری کرتے ہیں اگر وہ ایک غلطی دیکھتا ہے تو کام سے نکال دیتا ہے, لیکن تو کیسا کریم ہے, دن رات ہماری نافرمانیاں دیکھتا ہے, دن رات ہمارے گناہوں سے واقف ہے, ہمارے تنہائیوں کے گناہوں سے واقف ہے, پھر بھی کرم نوازی کرتا ہے. اللہ آج اس مبارک لمحات میں آج جو کوئی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے, بیت اللہ کی عظمتوں کا واسطہ. اے اللہ تو سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما, سب کی حاضریوں قبول و مقبول فرما. اے اللہ, غریبوں پر کرم نازل کر, محتاجوں پر کرم نازل کر. اے اللہ, جو مقدموں میں گھرے ہوئے ہیں رہائی عطا کر دے, جو ناجائز قید میں مبتلا ہیں اے اللہ تو انہیں رہائی عطا فرما. اے رحمان اے رحیم, اے حنان اے منان, اے دیان اے سلطان, اللہ ہمیں پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے. اللہ, جو اس پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما, پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ, اندرونی بیرونی خطرہ سے حفاظت فرما, افواج پاکستان کی حفاظت فرما, ہمارے سیکیورٹی اداروں کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اور سارے عالم اسلام پر کرم نازل کر دے. اے رحمان اے رحیم, اللہ کتنے ہی دسترخوان لمحات میں سنے ہوں گے, اللہ تو غریبوں پر کرم کرنے والا ہے, تو محتاجوں پر کرم کرنے والا ہے, تو غریبوں کی لاج رکھنے والا ہے. اللہ, ان بے روزگاروں کی جھولی میں رزق حلال ڈال دے. اے رحمان رحیم, تو سب کی دعاؤں کو مقبول و منظور فرما. میں یہ کیوں کہوں, مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے, کہ ہمیں شاہی میرے گھر بھر کا بھلا ہو, مٹی نہ ہو برباد پس مر گی لاہی, جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو, جب دمے واپسی ہو یا اللہ, لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة